से आप उसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है? अगर वो सही है आप उसकी लीगल वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकते, राइट? सो दीज आर द बेनिफिट्स जिसको आप कहोगे सिंपली, एडवांटेजेस कहोगे आप साइबर लॉ का। सिर्फ तीन पॉइंट हैं जो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। दिस ऑल अबाउट योर एडवांटेज। चलिए टॉपिक नंबर फाइव पे। टॉपिक नंबर फाइव इज बेसिकली कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास टोटल 12 प्रोविजंस हैं व्हाट वी हैव टू स्टडी इन आवर सिलेबस एज फार एज चैप्टर नंबर वन इज कंसर्न्ड, और फिर हमारे को ऑफेंसेस के बारे में पढ़ना है। सो ऑफेंसेस की अगर हम बात करें तो ऑफेंसेस में बेसिकली आप ये समझोगे कि किस तरह के एक्ट को आप ऑफेंस कह सकते हैं इन द केस ऑफ ऑनलाइन थिंग्स, राइट? इंटरनेट या साइबर वर्ल्ड हम कैसे कह लें, और साथ ही साथ आपको यह समझना है कि किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे, राइट? सो प्रोविजंस हम ऑलरेडी जानते हैं, हमें क्या करना है ऑफेंसेस पे जो एप्लीकेबल प्रोविजंस होंगे उसको और ऑफेंसेस क्या हैं, इन दोनों चीजों को पैरेलल में समझना है। तो हम एक काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले वी आर गोइंग टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आर डिफरेंट ऑफेंसेस और उन ऑफेंसेस में कौन कौन से सेक्शंस अट्रैक्ट होंगे, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं, और इसके लिए हम एक नोट सेक्शन स्टार्ट करेंगे। एंड वंस वी आर डन विद दैट फिर हम डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम एक नोट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, जिस नोट सेक्शन में हम क्या करेंगे समझेंगे सारे के सारे ऑफेंसेस को और उन ऑफेंसेस पे जो एप्लीकेबल प्रोविजंस हैं उनको, राइट? सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सबसे पहला जो ऑफेंस आपको पढ़ना है दैट इज बेसिकली हेरासमेंट वाया फेक प्रोफाइल। हेरासमेंट वाया फेक प्रोफाइल, हेरासमेंट वाया फेक पब्लिक प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल ऑन सोशल मीडिया। अब जरा गौर करो, नाउ दिस इज एन ऑफेंस। अगर कोई किसी का पब्लिक प्रोफाइल क्रिएट करता है, फेक प्रोफाइल क्रिएट करता है सोशल मीडिया पे, तो उस कंडीशन में दैट्स अ काइंड ऑफ व्हाट ऑफेंस, वो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस है, और जाहिर सी बात है इस पे आपको आईटी एक्ट एप्लीकेबल होता हुआ दिखाई देगा। अब हेरासमेंट वाया फेक प्रोफाइल की बात करें तो भाई इसमें आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकता है एक मामला, यू नो चीटिंग बाय पर्सनेशन का भी मामला हो सकता है, बट हमारे को जो पढ़ने को दिया गया है इसमें प्राइमरीली हम इस तरह से फोकस कर रहे हैं इस पर कि अगर मान लो किसी इंडिविजुअल का, जिस पर्पज से ज़्यादातर ये क्राइम होता है, अगर आप फेक प्रोफाइल की बात करो तो फेक प्रोफाइल जनरली किस पर्पज से बनाया जाता है, ताकि किसी के कैरेक्टर को मलिन किया जा सके, किसी को गलत तरह से पोर्ट्रे किया जा सके, सोशली उनका हार्म होता है, उनका नुकसान होता है, इसी पर्पज से बेसिकली आप देखोगे फेक प्रोफाइल को बनाया जाता है। तो अगर किसी इंडिविजुअल ने किसी का फेक प्रोफाइल बनाया तो जनरली आप देखोगे कि दे यूज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। जैसे जनरली आज की डेट में सबके पास फेसबुक अकाउंट है, इंस्टा अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, और वहाँ पीपल पुट द राइट इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या करते हैं उन्हीं इन्फॉर्मेशन को कॉपी करते हैं एंड दे ट्राई टू गेट सम फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा और एक फेक प्रोफाइल बनाते हैं। अब इस फेक प्रोफाइल को बनाने के बाद दे कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक मान लो कोई देयर इज अ गर्ल, उस गर्ल को एज अ प्रोस्टिट्यूट शो कर दिया जाए, देयर इज सम बॉय और मैन जिसको पर्सन ऑफ लूज करेक्टर शो कर दिया जाए, और इस तरह से आप किसी के कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, मलिन कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट द फेक प्रोफाइल आर मेड फॉर, राइट? सो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उस कंडीशन में कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा यू नो एज पर आवर सिलेबस, तो जरा इसको गौर से देखना। हेरासमेंट वाया फेक प्रोफाइल में हमने क्या कहा कि हेरासमेंट वाया फेक प्रोफाइल में क्या होता है, सबसे पहले जो भी कल्प्रेट है, जो भी ऑफेंडर है, वो क्या करता है, फेक प्रोफाइल क्रिएट करता है। अब हमने कहा जैसे ही उसने फेक प्रोफाइल क्रिएट किया, तो फेक प्रोफाइल क्रिएट करना ऑन द सोशल मीडिया, इसका मतलब ही इज ट्राइंग टू ट्रांसमिट एंड पब्लिश सम मटेरियल, यस, दैट इज द पर्पस बेसिकली। जैसे आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इसका मतलब यू आर पब्लिशिंग सम इंफॉर्मेशन, यू आर ट्रांसमिटिंग सम इंफॉर्मेशन, और फेक प्रोफाइल है वो। अब इस फेक प्रोफाइल को बनाने के लिए हमें एक पॉइंट को हमें यहां भी दिमाग में रखना है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी यूज्ड, क्योंकि अगर गलत इन्फॉर्मेशन होगा तो जाहिर सी बात है लोग समझ जाएंगे वो फेक प्रोफाइल है, उसका इंपैक्ट नहीं होगा, तो दे यूज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी क्रिमिनल हैं इस तरह के, राइट? एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन यूज करके फेक प्रोफाइल बनाना और फिर किसी को लेबल करना एज अ प्रोस्टिट्यूट, एज अ प्रोस्टिट्यूट, या लेबल करना पर्सन ऑफ लूज करेक्टर, पर्सन ऑफ लूज करेक्टर। इस तरह की अगर एक्टिविटी होती है देन दैट इज कॉल्ड एज हेरासमेंट वाया फेक प्रोफाइल। दिस इज वॉट द हेरासमेंट वाया फेक प्रोफाइल इज, वट वी हैव टू कीप इन माइंड, राइट?
तो अब जरा गौर करो, एक फेक प्रोफाइल बनाया गया विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन, और जिस इंसान का फेक प्रोफाइल बनाया गया था उसको पर्सन ऑफ लूज करेक्टर कहा गया, तो उसके चरित्र पे सवाल उठाया गया, राइट। एंड साथ ही साथ प्रोसिक्यूट कहा गया उस तरह के मटेरियल का, उस तरह का डिजिटल इमेजेस, उस तरह का टेक्स्ट यूज किया गया उस प्रोफाइल में, जिससे सामने वाले का, आप कह सकते हैं, उसका प्रेस्टीज का क्या होगा, लॉस होगा, उसके रेपुटेशन का लॉस होगा, उसका एक अलग तरह का इमेज बनेगा सोसाइटी में जो उसके लिए सर्टेनली हार्मफुल होने जा रहा है। सो एक आप इसके एक्सप्लेनेशन से एक बात को तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि सर दिस इज द क्लियर कट केस ऑफ व्हाट, ऑब्सीन मटेरियल। ऑब्सीन मटेरियल तो बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्सीन मटेरियल। फेक प्रोफाइल हम क्रिएट किया गया, फेक प्रोफाइल क्रिएट करके ऑब्सीन मटेरियल को ट्रांसमिट किया जा रहा है, बिकॉज यू आर टॉकिंग ऑफ लेबलिंग समवन एज अ प्रोस्टिट्यूट, यू आर टॉकिंग ऑफ लेबलिंग समवन एज अ पर्सन ऑफ लूज करेक्टर। सो अगर पर्सन ऑफ लूज करेक्टर का मतलब क्या हुआ, तो आप कहते हैं सर इसका मतलब हुआ ओवर्ट सेक्सुअल डिजायर या इंटरेस्ट, ओवर्ट सेक्सुअल इंटरेस्ट यहां शो करने की कोशिश की जा रही है। और अगर प्रोस्टिट्यूट की बात कर रहे हैं तो आप इसका मतलब क्या है, ये भी प्रूडेंट है, याद करो ये टर्म्स मैंने आप लोगों को बताया था, दिस इज सेक्सुअल रिमार्क, सो दिस इज प्रूडेंट। सो ओवर्ट सेक्सुअल डिजायर शो किया जा रहा है, प्रूडेंट काइंड ऑफ मटेरियल को शो किया जा रहा है ऑन दैट पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्रोफाइल, तो जाहिर सी बात है आप क्या कहते हैं कि सर दिस इज क्लियर कट केस ऑफ पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग या और ट्रांसमिटिंग, यहां तो खैर हो ही रहा है, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल। और आप जानते हैं कि अब पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल की अगर हम बात करें, प्रूरियंट मटेरियल की अगर हम बात करें, मटेरियल विच शोज सेक्सुअल डिजायर की अगर हम बात करें, सो जाहिर सी बात है इन दैट केस टेल मी विच सेक्शन विल बी एप्लीकेबल। तो क्या बोलोगे आप, सर बहुत क्लियर कट केस है, अगर ऑब्सीन मटेरियल की बात करो आप, प्रूरियंट मटेरियल की बात करो आप, ओवर्ट सेक्सुअल इंटरेस्ट की बात करो, डिजायर की बात करो, इन दैट केस सेक्शन नंबर 67 विल बी एप्लीकेबल। अब आप कहते हैं सर सिचुएशन के हिसाब से अदर सेक्शंस भी तो अप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि हेरासमेंट वाया फेक प्रोफाइल में ये जरूरी थोड़ी है कि हमेशा इसी तरह से प्रोस्टिट्यूट की तरह शो करके या पर्सन ऑफ लूज इंटरेस्ट करके, लूज करेक्टर शो करके इसको यूज किया जाए, और भी तो तरीके हो सकते हैं दूसरों को परेशान करने का, तो हमें उस पर नहीं जाना। वेन वी टॉक अबाउट द हेरासमेंट वाया फेक प्रोफाइल, तो जनरली यही होता है और यही इसी तरह से हमारे को डिफाइन करके दिया गया है, इसीलिए हम यहां क्या ध्यान में रखेंगे, सेक्शन 67 को ध्यान में रखेंगे। कंडीशंस अलग अलग हो सकते हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज अगर हुई तो उस कंडीशन में डिफरेंट सेक्शन क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। बट हमें क्या याद रखना है, हैरासमेंट वाया फेक प्रोफाइल का मतलब फेक प्रोफाइल बनेगा करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ, और उसके थ्रू किसी को मलिन करने की कोशिश की जाएगी, किसी का चरित्र हरण करने की कोशिश की जाएगी, और उस कंडीशन में सेक्शन नंबर 67 क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। यू नो व्हाट द सेक्शन 67 इज, सो दिस इज योर हैरासमेंट वाया फेक प्रोफाइल द फर्स्ट ऑफेंस, राइट। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस हम देख रहे हैं, चलते हैं सेकंड ऑफेंस में। Now we can talk about email hacking. अगर email account किसी का hack किया जाए, email account hacking. मान लो hacker ने क्या किया, किसी individual का email account hack किया, so that is also kind of what? Offense. तो अगर आप किसी का email account hack करते हैं for some purpose, तो उस condition में वो क्या होगा? Offense होगा. अब email account को hack करने के अलग अलग purposes हो सकते हैं, हमें क्या हमारे को किस तरह से समझना है, तो जरा ध्यान देना। जब आप ईमेल अकाउंट को हैक करने की बात करते हैं, आप ईमेल अकाउंट हैकिंग की बात करते हैं, तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहला तो ये होगा कि ईमेल अकाउंट हैक होगा, सो हैक ईमेल अकाउंट। और ईमेल अकाउंट हैक करने का बहुत सारा पर्पस हो सकता है। यूजुअली आप देखोगे हैकर क्या करता है, वो क्या कर सकता है, ऑब्सीन मटेरियल भेजता है या ऑब्सीन ईमेल्स भेजता है टू कॉन्टैक्ट्स। तो ईमेल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे, उन कॉन्टैक्ट्स को क्या किया गया, ऑब्सीन मटेरियल भेजा गया, किसी तरह का वीडियो या डिजिटल इमेजेस या मैसेज या कुछ भी इस तरह का डिटेल क्या किया गया, भेजा गया। तो अब जरा गौर करो, अगर किसी इंडिविजुअल का ईमेल अकाउंट हैक किया जाता है, अगर किसी इंडिविजुअल का ईमेल अकाउंट हैक किया जाता है, तो आप जानते हैं जैसे ही अनऑथराइज एक्सेस की बात होगी, जैसे ही हैकिंग हुआ, इसका मतलब अनऑथराइज एक्सेस की बात कर दी हमने, और जैसे ही हैक हुआ, इसका मतलब एक बात तो पक्का है कि कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेज है ये, और कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेज है, इसका मतलब सेक्शन नंबर 66 क्या होगा, एप्लीकेबल होगा।
अगर आप अनऑथराइज एक्सेस की बात करते हैं और अनऑथराइज एक्सेस के तहत किसी के अकाउंट को, ईमेल अकाउंट को हैक किया गया, तो 66 तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, इसके साथ साथ 43 भी क्या होगा, जाहिर सी बात है सेक्शन नंबर 43 भी एप्लीकेबल होगा। याद करो हम जानते हैं 43 के बारे में, 43 में क्या था, डैमेजेस की हम बात कर रहे थे, डैमेजेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें बहुत सारी चीजें थी एंड वन ऑफ द एस्पेक्ट वॉज एक्सेस। सो यहां अनऑथराइज्ड वे में ईमेल अकाउंट को हैक किया गया, एक्सेस करने की कोशिश की गई, तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है 43 एंड 66 दोनों क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। फिर जरा देखो, ऑब्सीन मटेरियल भेजा गया, ऑब्सीन ईमेल भेजा गया, अगर आप ऑब्सीन ईमेल भेजते हैं, अभी अभी हमने सीखा था इससे पहले वाले ऑफेंस में, हरासमेंट वाया फेक प्रोफाइल में, वहां भी हमने सीखा था कि जैसे ही ऑब्सीन मटेरियल की बात करी गई, इसका मतलब सेक्शन नंबर 67 क्या होगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। फर्दर ये बात सोचो जरा आप कि हैक करने का मतलब क्या हुआ, हैक करने का मतलब यह हुआ कि किसी और के अकाउंट को एक्सेस किया गया है, और जब किसी और के अकाउंट को एक्सेस किया गया है, मतलब अदर्स अकाउंट को एक्सेस किया गया है, तो आपको नहीं लग रहा है कि सेक्शन 66C एप्लीकेबल हो जाएगा, और सी की अगर आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, आइडेंटिटी थेफ्ट, यहां क्या हो रहा है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है, क्योंकि किसी और का ईमेल क्या किया गया है, एक्सेस किया गया है, तो अगर मान लो वो ईमेल भेजा जा रहा है, तो सामने वाले को क्या लगेगा कि जो ईमेल अकाउंट का जो ओनर है वही ईमेल भेज रहा है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, ईमेल कौन भेज रहा है, हैकर भेज रहा है, राइट। बिकॉज हैकर क्या कर रहा है, अपने आप को पोज कर रहा है, मतलब वो जिस ईमेल आईडी को यूज कर रहा है सामने वाला अकॉर्डिंगली उसको समझ रहा है। सो आइडेंटिटी थेफ्ट का केस यहां क्लियर कट देखने को मिल रहा है, तो सेक्शन नंबर 66C भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। फर्दर देखो, आपने कहा ऑब्सीन मटेरियल, और जैसे ही आपने ऑब्सीन मटेरियल कहा तो 67 ही क्यों, क्या 67A एप्लीकेबल नहीं हो सकता, यस। क्या 67B एप्लीकेबल नहीं हो सकता, यस। हम कहते हैं प्रोवाइडेड किस तरह का मटेरियल है, किस तरह का कंटेंट है, उस हिसाब से तीनों में से तीनों सेक्शन या कोई पर्टिकुलर सेक्शन क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। सो अगर हम ईमेल अकाउंट हैकिंग की बात करें, तो हम ऐसा देख रहे हैं कि हमारे केस में क्या हुआ, ईमेल अकाउंट को हैक करने की बात कर रहे हैं हम, इसमें क्या करता है कल्प्रेट, कोई भी ईमेल अकाउंट को हैक किया और उसने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन कॉन्टैक्ट्स को किसी तरह का ऑब्सीन मटेरियल ईमेल किया, ऑब्सीन मटेरियल ईमेल किया, तो जैसे ही उसने ऑब्सीन मटेरियल ईमेल किया, आप देखोगे ये सारे के सारे सेक्शंस क्या होंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। जरा गौर करना, ठीक है, जरा आप गौर करना कौन कौन से सेक्शंस इसमें एप्लीकेबल होंगे। तो हम क्या कहते हैं यहां सर, सेक्शन 43 इज गोइंग टू गेट एप्लीकेबल, यस। सेक्शन 66 अप्लाई होगा, यस। 66C अप्लाई होगा, यस। 67 अप्लाई होगा, 67A अप्लाई होगा, 67B अप्लाई होगा। याद करो 67 बात करते हैं सिंपली ऑब्सीन मटेरियल का, 67A बात करता है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट का, बी बात करता है अगर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट में किसका इन्वॉल्वमेंट हो, चिल्ड्रन का इन्वॉल्वमेंट हो, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट में किसका इन्वॉल्वमेंट हो, चिल्ड्रन का इन्वॉल्वमेंट हो। 66C की बात करता है आइडेंटिटी थेफ्ट की बात करता है, आइडेंटिटी थेफ्ट की बात करता है। 66 मतलब आप कहते हैं कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, यहां क्या आ गया, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस आ गया। इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट सेक्शंस विल बी एप्लीकेबल अगर हम ईमेल अकाउंट हैकिंग की बात करें। तो आपने दो ऑफेंसेस को देखा अभी तक, एक है हैरासमेंट वाया फेक प्रोफाइल और दूसरा आपने देखा ईमेल अकाउंट हैकिंग। तो चलते हैं हम नंबर 3 पे, तीसरा है हमारे पास क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। दो हमने देखा अभी तक, हैरासमेंट वाया फेक प्रोफाइल, सेकेंड आपने देखा ईमेल अकाउंट हैकिंग, थर्ड हम देखने जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के बारे में। अच्छा, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कब होता है किसी के साथ, जनरली अगर आप देखोगे तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में बेसिकली क्या होगा कि आपके क्रेडिट कार्ड के इंफॉर्मेशन को हैकर गेन करता है और जिसके आधार पर वो ट्रांजैक्शन करता है, राइट। तो आपका कार्ड है, कोई और शॉपिंग कर रहा है, कोई और ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसके पास पैसे जा रहे हैं और आपको क्या करना पड़ रहा है, वो पैसा भरना पड़ रहा है। सो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की अगर हम बात करें तो कई सारे तरीके हो सकते हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का, जैसे क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है। क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट मतलब जैसे आप मान लो आप पेट्रोल पंप पे गए, आपने कहीं जाके कार्ड स्वाइप करने की कोशिश की, आपने कार्ड किसी को हैंड ओवर कर दिया, उसने कार्ड का डुप्लीकेट तैयार कर लिया, दैट इज डन फिजिकली एज वेल। और या फिर किसी भी तरह से अगर आपके कार्ड को क्लोन किया जाता है और क्लोन करके आपके कार्ड से ट्रांजैक्शन कर लिया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जाहिर सी बात है नुकसान होगा। सो क्रेडिट कार्ड क्रेडेंशियल्स यूजुअली कब डिस्क्लोज होता है, ये यूजुअली तब डिस्क्लोज होता है कि जैसे मान लो आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना था और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान आपने जिस कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया, लेट से उसमें की लॉगर था या किसी तरह का वायरस था,
या किसी तरह का ऐसा स्क्रिप्ट था उसके अंदर जिसने आपके डेटा को चुराया और आपका डेटा हैकर के पास जाता है. नाउ हैकर कैन लॉग इन इनटू योर अकाउंट एंड कैन डू द ट्रांजैक्शंस. सो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की अगर हम बात करें तो यूजुअली हम कहते हैं कि ये बेसिकली तब होता है जब हम इन्फेक्टेड कंप्यूटर का यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन. सो अगर यूज ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम किया जाए, अगर इन्फेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम को यूज किया जाए टू मेक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान इन्फेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम का यूज किया जिसकी वजह से आपका क्रेडेंशियल कॉम्प्रोमाइज होता है, तो उस कंडीशन में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होने के चांसेस होंगे, जहां आपके क्रेडिट कार्ड से कोई हैकर क्या कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है जो आपके लिए नुकसानदेह होगा. अब जरा गौर करो, अगर हम यूज ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, इसका मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कंटामिनेंट है. कंप्यूटर कंटामिनेंट कहने का मतलब वायरस. सो इन्फेक्टेड कंप्यूटर है, इन्फेक्टेड कंप्यूटर है इसका मतलब कंप्यूटर में वायरस है, और अगर कंप्यूटर में वायरस है right, तो जाहिर सी बात है ये कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस के केस में जाएगा या नहीं जाएगा, आप बोलोगे हाँ. और अगर ये कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस के केस में जाएगा तो सेक्शन 66 विल बी एप्लीकेबल. 66 क्या होगा? एप्लीकेबल होगा, जाहिर सी बात है इस केस में भी. एंड 43 विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल. तो 43 एंड 66 तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, राइट right? अब जरा गौर करो कि हम कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की बात कर रहे हैं, तो फ्रॉड कैसे हो रहा है? फ्रॉड ऐसे हो रहा है कि जो मेरा क्रेडेंशियल्स, मेरा जो आईडी पासवर्ड डिस्क्लोज हुआ जो हैकर के पास गया, हैकर उस आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन कर रहा है. इसका मतलब अगर वो मेरे आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके अगर वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमें क्या देखने को मिल रही है, तो जिसको आप क्या कह सकते हो, आइडेंटिटी थेफ्ट. आपने कहा सर आपका क्या हुआ है यहाँ, आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ है, हुआ या नहीं हुआ है? क्योंकि मैं तो नहीं कर रहा, मेरी आइडेंटिटी को यूज करके कोई और ट्रांजैक्शन कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा था. क्यों? मेरा, मुझे तो पता ही नहीं था मेरा कार्ड क्या हो चुका है, हैक हो चुका है, राइट. सो कोई मेरी आइडेंटिटी को यूज करके ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या हो रहा है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है. और साथ ही साथ सिंस हैकर इज यूजिंग माई क्रेडेंशियल्स, माई मनी, एंड जाहिर सी बात है वो मेरे क्रेडेंशियल्स को यूज करके मेरा ही पैसा चुरा रहा है ना. सो चीटिंग बाय पर्सनेशन इज ऑल्सो सीन हियर. तो हम क्या कहते हैं, चीटिंग बाय पर्सनेशन का भी केस हमें यहाँ देखने को मिलेगा, जहां हमने कहा था किसी और की तरह पोज करना खुद को. सो आइडेंटिटी थेफ्ट भी है, चीटिंग बाय पर्सनेशन भी है. और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आई होप आपको याद होगा कि आइडेंटिटी थेफ्ट की अगर आप बात करोगे तो सेक्शन 66 सी विल बी एप्लीकेबल, चीटिंग बाय पर्सनेशन की बात करोगे तो सेक्शन 66 डी विल बी एप्लीकेबल. तो इस पर्टिकुलर केस में, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के केस में, एज फार एज आर एक्सप्लेनेशन इज कंसर्न, उसके हिसाब से हमारे को कुछ एप्लीकेबल सेक्शन हैं जो यहां हम साफ साफ देख सकते हैं. So, अगर हम ये देखें कि कौन कौन से सेक्शन से एप्लीकेबल हैं इस पूरे प्रक्रिया में, यहां शो करते हैं सेक्शंस, कौन कौन से सेक्शन अगर एप्लीकेबल हैं, अगर हम इस बात को देखना चाहें तो हम सिंपली कह सकते हैं यहां कि 43 इज एप्लीकेबल, 43 इज एप्लीकेबल, 66 इज एप्लीकेबल, 66 सी इज एप्लीकेबल, 66 डी इज एप्लीकेबल. 43 डैमेज वाला, 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, 66 सी की बात करते हैं सो दैट टॉक्स अबाउट द आइडेंटिटी थेफ्ट, एंड 66 डी की बात करते हैं दैट टॉक्स अबाउट द चीटिंग बाय पर्सनेशन. ये सारे के सारे सेक्शंस इस पर्टिकुलर ऑफेंस में क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, जिसे हम कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, राइट. ये था हमारा थर्ड. तो तीन को हमने सीखा, सबसे पहले हमने सीखा हेरासमेंट वाया फेक प्रोफाइल को, सेकंड में हमने ईमेल अकाउंट हैकिंग की बात करी, और थर्ड में हमने क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की बात करी. लेट्स गो टू द फोर्थ. ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े और हम फोर्थ ऑफेंस देखें, मैं आपको पहले ही बता दूं टोटल 11 ऑफेंसेज हैं बेसिकली जो आपको पढ़ने हैं, जिसमें से तीन आपने अभी तक देखा है. नाउ विल गो टू द फोर्थ ऑफेंस, चौथा देखते हैं. द फोर्थ वन इज वेब डिफेसमेंट. वेब डिफेसमेंट, डिफेस करने का मतलब क्या हुआ, और डिफेस करने का मतलब हुआ कि वेब का, वेबसाइट का होम पेज में आप छेड़खानी करते हैं, वेबसाइट का में कुछ आप छेड़खानी करते हैं और उसके फॉर्म को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, उसके फेस को डिफेस कर देते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं किसी भी तरह से. तो अगर मान लो, अब इसके कई सारे आयाम हो सकते हैं, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह के वेबसाइट को हैक कर रहे हैं. मान लो अगर आपने एक कमर्शियल ई कॉमर्स वेबसाइट को हैक किया, और ई कॉमर्स वेबसाइट को हैक करके आपने उसका होम पेज चेंज कर दिया, या अंदर के पेजेस में आपने कोई तब्दीली की, तो क्या सेक्शन एप्लीकेबल होंगे. और मान लो आपने इसरो का वेबसाइट हैक कर लिया, आपने डीआरडीओ का वेबसाइट हैक कर लिया, या आपने किसी गवर्नमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट को हैक कर लिया, तो उस कंडीशन में जो सेक्शन होंगे वो भी आपको देखने को मिलेगा कि वहां आप साइबर टेररिज्म वाला पोर्शन लेके आएंगे, जाहिर सी बात है, एंड रिलेटेड सेक्शंस विल बी एप्लीकेबल. सो वेब डिफेसमेंट का मतलब है सीधा सीधा किसी भी वेबसाइट में
तब्दीली करना, अनऑथराइज्ड वे में आपने उसको हैक किया, उसमें लॉग इन किया और आपने क्या किया, वेबसाइट की डिटेल्स को बदला। इसे कहते हैं सिंपली वेब डिफेसमेंट। सो वेब डिफेसमेंट के केस में यू नो एज फार एज वी आर बींग टॉट, हम क्या कहते हैं इस केस में क्या होता है, होम पेज ऑफ द वेबसाइट, होम पेज ऑफ वेबसाइट इज रिप्लेस्ड। वेबसाइट का होम पेज क्या हुआ, रिप्लेस हो गया, इज रिप्लेस्ड। यूजुअली क्या करता है हैकर, बाय सम डिफेमेटरी इमेजेस, कुछ इस तरह के इमेजेस से जिससे डिफेम किया जा सके पर्सन को, कंपनी को या गवर्नमेंट को, या फिर किसी तरह का पोर्नोग्राफिक डिफेमेटरी या पोर्नोग्राफिक मटेरियल से क्या किया जाएगा, यू नो होम पेज को रिप्लेस कर दिया गया। मानो सपोज यू आर रनिंग एन ई कॉमर्स वेबसाइट और आपका होम पेज चेंज होकर उस पर अगर पोर्नोग्राफिक मटेरियल आ जाए, तो जरा सोचो आपके जो कस्टमर्स हैं वो कस्टमर्स क्या फील करेंगे। जाहिर सी बात है आपका बहुत भयानक लॉस होने जा रहा है, राइट। सो अगर वेब डिफेसमेंट होता है, और आप जानते हैं किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन को ऑल्टर करना बाय गेटिंग एक्सेस टू द कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम और द कंप्यूटर, सो इन दैट केस सेक्शन 43 विल बी एप्लीकेबल। जाहिर सी बात है सेक्शन 43 के अंदर जो हमारे एक्टिविटीज थे उनमें से एक एक्टिविटीज ये भी था, जब आप ऑल्टर करते हैं इन्फॉर्मेशन को बाई गेटिंग एक्सेस टू द कंप्यूटर, एग्जैक्टली यहाँ यही हो रहा है, क्योंकि आप होम पेज को ऑल्टर कर रहे हैं और होम पेज जो कंटेंट था उस कंटेंट को हटा के आप वहाँ किसी तरह का डिफेमेटरी इमेज लगा रहे हैं या पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स को वहाँ रखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इन दैट केस सेक्शन 43 is going to get applicable. अगर 43 होगा तो हम जानते हैं 43 में जितने भी एक्टिविटीज है इनके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन हमारे पास सेक्शन 66 में है, तो 43 है, सेक्शन 66 भी यहां हमारे को देखने को मिलेगा। सो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेज एंड डैमेज टू कंप्यूटर, ये दोनों ही सेक्शन एप्लीकेबल होंगे वेब डिफेसमेंट के केस में। लेकिन जरा सोचो क्या इसमें 66F एप्लीकेबल होगा, क्योंकि याद करो आप 66F की अगर हम बात करें तो 66F बात करता है साइबर टेररिज्म की, तो क्या इसमें साइबर टेररिज्म एप्लीकेबल होगा, हम कहते हैं यस, प्रोवाइडेड द वेबसाइट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, या वो बहुत ही सेंसिटिव वेबसाइट था जहां जिसका हैक होना किसी भी तरह के साइबर टेररिज्म के कैटेगरी में अगर फॉल करता है उस केस में 66F भी एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन वो कंडीशनल है। इन सम केसेस हम उसको कह सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है। अब जरा सोचो क्या इस पर्टिकुलर केस में 67 एप्लीकेबल हो सकता है, तो हम कहते हैं यस। क्यों, क्योंकि आप डिफेमेटरी इमेजेस की बात कर रहे हैं, पोर्नोग्राफिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि पोर्नोग्राफिक मटेरियल को अगर डिस्प्ले किया जाए, ट्रांसमिट किया जाए, पब्लिश किया जाए, इन दैट केस वी हैव समथिंग कॉल्ड एज 67A एंड 67B। ये तीनों ही सेक्शन क्या हो सकते हैं, एप्लीकेबल हो सकते हैं, कंडीशनल होगा। इन सम केसेस हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पे साइबर टेररिज्म वाला सेक्शन भी एप्लीकेबल होगा और इस पे ऑब्सीन मटेरियल वाला भी, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट या चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, ये सारे सेक्शंस क्या हो सकते हैं, एप्लीकेबल हो सकते हैं इन सम केसेस। हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि सबसे पहले जो सबसे बेसिक सेक्शन है वो तो आपको ध्यान में रखना है, और वो है सेक्शन नंबर 43 एंड 66। अभी मैं फिर लिखूं क्या, अब तक तो याद हो गया होगा आपको, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, अगर आप शुरू से लेक्चर को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से याद हो गया होगा कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, एंड 43 बात करता है किसको, डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम को। तो ये दोनों सेक्शंस तो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं इन सम केसेस, कुछ केसेस में कंडीशनल होगा ये, 66F भी एप्लीकेबल होगा, जिसे हम जिसमें हम डील करते हैं किसे, साइबर टेररिज्म को, और साथ ही साथ हमने कहा 67 भी एप्लीकेबल होगा जिसमें हम डील करते हैं ऑब्सीन मटेरियल के पब्लिशिंग और ट्रांसमिशन को, ऑब्सीन मटेरियल के पब्लिशिंग और ट्रांसमिशन को, ये भी क्या होगा, यहां डील होगा इन सम केसेस दैट टोटली कंडीशनल, that totally what, conditional. So this is your web defacement. Yaad rahega primary section 43, 66, lekin in some cases we can apply 66F, we can apply 67. That totally depends upon the kind of material being displayed on the home page. That is what the web defacement is all about, right? Ye hai hamara offense number 4. Now we will go to the next one, offense number 5. Agar kisi computer system mein कोई भी इंडिविजुअल हुएवर अगर वायरस को इंट्रोड्यूस करता है किसी तरह का, वर्म इंट्रोड्यूस, किसी तरह का कंटामिनेंट अगर यू नो इंट्रोड्यूस करता है जिससे आपका सिस्टम कंटामिनेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। और आप जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस की जैसे ही हमने बात करी, तो याद करो इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस की जैसे ही हम बात करते हैं तो दिस इज एन एक्टिविटी विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 43 एंड विच इज पनिश्ड अंडर सेक्शन 66। तो 43, 66 तो सर्टेनली क्या होने जा रहा है, एप्लीकेबल होने जा रहा है। तो जरा गौर करना, हम देखते हैं नंबर 5 को, इंट्रोड्यूसिंग, इंट्रोड्यूस करना वायरस, वर्म्स, बैकडोर्स, रूटकिट्स, ट्रोजन,
बग्स, ये सब का डिटेल आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ते हैं। यहां आप बस इतना ध्यान में रखना, ऑल दीज आर बेसिकली कंप्यूटर कंटामिनेंट। ये किसी न किसी तरह से आपके कंप्यूटर सिस्टम को कंटामिनेट करता है, उसे किसी न किसी तरह से इन्फेक्ट करता है और डैमेज करता है, राइट? सो अगर वायरस इंट्रोड्यूस कर दिया गया कंप्यूटर सिस्टम में, दैट्स अ काइंड ऑफ ऑफेंस। अगर वायरस इंट्रोड्यूस किया गया कंप्यूटर सिस्टम में, दैट्स अ काइंड ऑफ ऑफेंस। तो जरा गौर करो, अब सवाल ये उठता है कि वायरस इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? व्हाट इज वायरस? तो आप कहते हैं वायरस आर नथिंग बट द मेलिशियस प्रोग्राम्स। मेलिशियस प्रोग्राम का मतलब हुआ, मेलिशियस का मतलब आप अभी फिलहाल ये ध्यान में रखना, इंटेंशनली बैड। अगर आपको हार्म करने के लिए कोई प्रोग्राम लिखा जाता है, कोई स्क्रिप्ट लिखा जाता है, दैट इज द मेलिशियस प्रोग्राम। और ये मेलिशियस प्रोग्राम आपको कई तरह से हार्म कर सकता है। जैसे हो सकता है इसको इस्तेमाल किया जाए डेटा को, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या हो सकता है इसको इस्तेमाल किया जाए डेटा या इंफॉर्मेशन का अनऑथोराइज्ड एक्सेस के लिए, एंड वेरियस फॉर वेरियस अदर पर्पसेस दिस वायरस वर्म्स ट्रोजन हॉर्सेस कैन बी यूज्ड। सो व्हाट वी से हियर इज that the virus, worms, backdoor, rootkit, trojan, etc. are nothing but the malicious programs which are basically used to get access to the computer system or to destroy the data, steal the data and for various other purposes. तो अगर हम इसकी बात करें तो कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? आप छूटते ही क्या कहोगे? सर सेक्शन 43 एंड 66, इस पे ज्यादा डिस्कशन की हमें जरूरत ही नहीं है। ये दोनों सेक्शन क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। डैमेज टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस, इज वन ऑफ द एक्टिविटी कवर्ड अंडर सेक्शन 43। और 66 क्या बात करता है? पनिशमेंट फॉर ऑल एक्टिविटीज विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 43। सो जाहिर सी बात है 43 एंड 66 विल बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ व्हाट? इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस, वर्म्स, ट्रोजन एक्सेट्रा। ये था आपका ऑफेंस नंबर 5। Now we'll go to the offense number 6. अब जरा गौर करना, हम ऑफेंस नंबर 6 की बात करते हैं। एंड ऑफेंस नंबर 6 में वी आर गोइंग टू सी क्लियर कट एन ऑफेंस, एंड दैट इज कॉल्ड एज साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म, अच्छा साइबर टेररिज्म के कई सारे फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हमने कहा था साइबर टेररिज्म का मतलब क्या हुआ? अगर टेररिज्म करने के लिए किसी भी तरह से साइबर वर्ल्ड का इस्तेमाल किया गया, मतलब हमने कहा था पेन ड्राइव में डेटा रखने से लेकर डेटा का ट्रांसमिशन तक, मनी लॉन्ड्रिंग तक की एक्टिविटी को भी साइबर टेररिज्म में रखा जा सकता है। तो साइबर टेररिज्म इज अ वाइड थिंग। बेसिकली टेररिज्म में अगर कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है किसी भी तरह से, तो दैट कैन फॉल इन द कैटेगरी ऑफ साइबर टेररिज्म। हमारे सिलेबस में जब इसको डिफाइन किया गया साइबर टेररिज्म को, तो यहां इन्होंने एक सिंपल सा डेफिनेशन लिया जहां ये कह रहे हैं कि टेररिस्ट वगैरह क्या करते हैं, किसी तरह के स्टोरेज डिवाइसेज में इंफॉर्मेशन अपना स्टोर करके रखते हैं, अपने प्लॉट के बारे में, प्लान के बारे में, वो कहां अटैक करने वाले हैं, अपने एक्टिविटीज के बारे में वो इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। तो सिर्फ उसको क्या किया गया? इंक्लूड किया गया। अब जरा सोचो, अगर हम साइबर टेररिज्म में अगर हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस करना और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस का इस्तेमाल करना, सो इन दैट केस दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 43। 43 तो आएगा ही आएगा, 43 आएगा, 66 आएगा, ये दो सेक्शंस तो होंगे ही होंगे। तो हमारे सिलेबस में क्या किया इन्होंने? सिर्फ दो ही सेक्शन मेंशन किए, 43 एंड 66। अब आप बोलोगे सर ये साइबर टेररिज्म है, सो क्लियर कट देयर शुड बी सेक्शन 66F। ये तो होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर 66F टॉक्स अबाउट द साइबर टेररिज्म, तो वो तो होगा ही होगा ना, लेकिन वो हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। यहां मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया गया है, बट यस 43 एंड 66 आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है? यहां आप क्या बोलोगे? यूज ऑफ क्या हो रहा है? यूज ऑफ ड्राइव्स, FTP साइट्स, FTP साइट्स एक्सेट्रा टू स्टोर इंफॉर्मेशन। अगर ड्राइव्स का, FTP साइट्स का इस्तेमाल किया जाए इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, और जो इंफॉर्मेशन बेसिकली रिलेटेड है किससे? टेररिज्म से, टेररिस्ट से, उनके एक्टिविटीज से, उनके काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डिफरेंट ड्राइव्स और FTP साइट्स का अगर इस्तेमाल किया गया, इन दैट केस दैट इज व्हाट? दैट इज अ क्लियर कट केस ऑफ साइबर टेररिज्म। और अगर ऐसा होता है तो हमने कहा सेक्शन 43 विल बी एप्लीकेबल, सेक्शन 66 विल बी एप्लीकेबल। बट अब हमने यहां एक नोट लिख लेना है खुद के लिए, सेल्फ के लिए। अगर आपको स्ट्रेट अवे साइबर टेररिज्म के बारे में एग्जाम में लिखना हो तो दो ही सेक्शन मेंशन करना, आपके स्टडी मॉड्यूल में दो ही सेक्शन को मेंशन किया गया है। लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं 66F, दिस डील्स इन साइबर टेररिज्म, तो इसके पॉसिबिलिटी को यहां हम इग्नोर नहीं कर सकते।
ये तो भैया अप्लाई होगा ना, ये तो अप्लाई हो गई होगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी को हम यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते। 66 एफ को भी दिमाग में रखना है, बट एग्जामिनेशन में लिखते वक्त 43 और 66 को लिख के आना है। अगर केस में मान लो कोई केस फ्रेम किया गया और वहाँ किसी तरह से साइबर टेररिज्म दिखाया जाता है और आपके पास ऑप्शन में 66 एफ है, 43 भी है, 66 भी है एंड ऑल आपका ऑप्शन है, तो आप कहाँ जाओगे? ऑल पे चले जाओगे। आप बोलोगे हाँ 66 एफ कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन सम केसेस, ये भी अप्लाई हो सकता है। इसके कंडीशंस थे अपने, इसके क्या थे? अपने कंडीशंस थे राइट, बट दैट में ऑल्सो अप्लाई। याद को सोवर्निटी को या यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को अगर हम डिस्टॉर्ट करने की बात कर रहे थे, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की बात की जा रही थी, किसी तरह का डिफेमेटरी एक्शन लेने की बात की जा रही थी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही थी अगर इसके लिए कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मान लो ये FTP साइट है या ड्राइव है, अगर इसमें कोई टेररिस्ट अटैक का प्लॉट रखा हुआ है तो क्या वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करेगा? यस। क्या वो कंट्री के इंटीग्रिटी, सोवर्निटी, सिक्योरिटी को इम्पैक्ट नहीं कर रहा होगा? निश्चित रूप से करेगा। तो जाहिर सी बात है 66 एफ भी क्या होगा? एप्लीकेबल होगा, है ना। तो ये है आपका साइबर टेररिज्म। मैंने क्या कहा आपसे, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर हमसे साइबर टेररिज्म इन जनरल पूछा जाता है तो हम दो ही सेक्शन शो कर सकते हैं, 43, 66, 66 एफ अगर आप लिख के आते हैं तो भी गलत नहीं होगा, बट हमारे मॉड्यूल में नहीं मेंशनड है, बट हम ध्यान में रखेंगे। ये है आपका साइबर टेररिज्म। चलते हैं नंबर 7 और सातवें में हम देखेंगे सेल ऑफ इलीगल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल प्रोडक्ट्स। अगर किसी तरह का इलीगल प्रोडक्ट या आर्टिकल्स को ऑनलाइन बेचा जाए तो क्या होगा? सो इलीगल प्रोडक्ट या आर्टिकल की हम बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है, सर इलीगल प्रोडक्ट या आर्टिकल का क्या मतलब है? तो हम कहते हैं ऐसी चीजें जिसे बेचना लीगल नहीं है। जैसे आपने हिरन पकड़ के बेचने चले गए, आप टाइगर पकड़ के बेचने चले गए, आपने लायन को पकड़ के केज में डाल दिया और आप उसे बेचने के लिए आपने ऑनलाइन ऑक्शन स्टार्ट कर दिया, नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज दैट इज कंप्लीटली इलीगल। नार्कोटिक्स की बात कर लें, अगर आप नार्कोटिक्स बेचने की कोशिश करते हैं, किसी ने कहा मेरे को गांजा बेचना है ऑनलाइन और उसने गांजा बेचना शुरू कर दिया ऑनलाइन, तो भाई ये गलत है बिकॉज दैट इज कंप्लीटली व्हाट? इलीगल। किसी तरह का ड्रग्स ऑनलाइन बेचना, वेपन्स ऑनलाइन बेचना, इसके लिए आपको लाइसेंसेस की आवश्यकता होती है, आप ऐसे ही नहीं बेच सकते। सो अगर ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल प्रोडक्ट की, इलीगल आर्टिकल्स की हम बात कर सकते हैं, दैट्स आल्सो काइंड ऑफ एन ऑफेंस। ई कॉमर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑनलाइन कुछ भी बेचना शुरू कर दें, है ना। हमने किडनी लीवर की सेल लगा दी कि तो भाई चलो ऑनलाइन किडनी लीवर खरीद लो, राइट ना, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज दिस इज कंप्लीटली व्हाट? इलीगल। अब इस केस में आपको बहुत ज्यादा मदद आईटी एक्ट से नहीं मिलने वाला, आपको कन्वेंशनल वे में जाना होगा एंड जनरली आईपीसी आर अप्लाइड, राइट। आईपीसी के क्या होते हैं? प्रोविजंस यहां अप्लाई होते हैं। हम कहते हैं सर इन दिस सिचुएशन वी विल गो कन्वेंशनली, ठीक है। हम कन्वेंशनल लॉ को क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे। यूजुअली हम कहते हैं आईपीसी के सेक्शंस क्या होते हैं, यूजुअली हम कहते हैं आईपीसी के सेक्शंस क्या होते हैं? एप्लीकेबल होते हैं। सो दिस इज योर ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल प्रोडक्ट और आर्टिकल। अब हम चलते हैं नंबर 8 एंड नंबर 8 में वी विल कवर साइबर पोर्नोग्राफी। बताओ एप्लीकेबल सेक्शंस क्या बोलोगे? तो अगर हम साइबर पोर्नोग्राफी की बात करें तो सिंपल है इसको समझना, क्योंकि हम जानते हैं इसके सेक्शंस को ऑलरेडी, 67, 67 ए, 67 बी क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। अब बस आपको ये दिमाग में रखना है, देखो क्या होता है कि अगर आप पोर्नोग्राफी की बात करो तो पोर्नोग्राफी मे बी लीगल इन सम कंट्री। आप देखोगे कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पोर्नोग्राफी लीगल है, बट चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज बैंड वर्ल्ड वाइड। तो आपको बस इस चीज को याद रखना है, पोर्नोग्राफी के बारे में आपको सिर्फ दो पॉइंट को ध्यान में रखना है, मे बी लीगल इन सम कंट्री, इन इंडिया इट इज नॉट, राइट। एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज इलीगल वर्ल्ड वाइड। ये आपको पूरी दुनिया में क्या मिलेगा? इसको इलीगल घोषित किया गया है, राइट। कुछ खास नहीं करना इसमें, आप जानते हैं सेक्शंस कौन कौन से होंगे, बताओ। 67 ऑब्सीन मटेरियल, 67 ए सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, 67 बी चिल्ड्रेन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, राइट। तो ये तीन सेक्शंस को हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं? रेफर करने जा रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर साइबर पोर्नोग्राफी, राइट राइट। तो ये था आपका साइबर पोर्नोग्राफी, दिस इज ऑल अबाउट योर साइबर पोर्नोग्राफी। नाउ वी विल गो टू द नाइन्थ ऑफेंस, जो बेसिकली फिशिंग एंड ईमेल स्कैम है। फिशिंग एंड ईमेल स्कैम,
फिशिंग एंड ईमेल स्कैम। अच्छा, फिशिंग क्या होता है? आगे आपको पढ़ना है फिशिंग के बारे में। फिशिंग बेसिकली वो टेक्निक है जिसके तहत किसी से हम कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं थ्रू सोशलाइजिंग। सो जैसे ऑनलाइन भी हो सकता है ये, ऑफलाइन भी हो सकता है, बट सर्टेनली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन फिशिंग। सो ये फ्रॉड करके किसी का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एक्वायर करना, किसी का क्रेडेंशियल्स एक्वायर करना, आईडी पासवर्ड, ताकि हम अकाउंट को एक्सेस कर सके किसी और का, दैट इज बेसिकली फिशिंग इज, राइट। एंड ईमेल का स्कैम का जहां तक सवाल है, दैट यू ऑलरेडी नो। सो आप सिंपली फिशिंग के बारे में क्या कहते हैं? फ्रॉडुलेंटली एक्वायरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन थ्रू मैस्कुरेडिंग अ साइट एज अ ट्रस्टेड एंटिटी। ठीक है, एज अ ट्रस्टेड एंटिटी। तो बताओ, अगर हम फिशिंग की बात करें, किसी का कॉन्फिडेंस क्रेडेंशियल्स हासिल करना, साइट को एक्सेस कर लेना, अकाउंट को एक्सेस कर लेना, अगर इन सब चीज़ों की बात की जाए, तो जाहिर सी बात है आपका सेक्शंस की अगर आप बात करोगे तो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस तो आएगा ही आएगा। मतलब 66 इज गोइंग टू गेट एप्लीकेबल, 66 तो एप्लीकेबल होगा ही। इसके साथ साथ क्या आएगा? तो हम कहते हैं सर, इसके साथ साथ आइडेंटिटी थेफ्ट भी आएगा 66C, और इसके साथ साथ चीटिंग बाय पर्सनेशन भी आएगा 66D। ये तीनों ही सेक्शन एप्लीकेबल होंगे, 66, 66C एंड 66D। ये थे आपके 9 डिफरेंट कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। अब हमें इसके अलावा, इनफैक्ट वी हैव टू सी 2 मोर ऑफेंसेस। तो चलिए हम चलते हैं नंबर 10 पे, 10वें ऑफेंस को देखते हैं कि अब हमारे पास कौन सा ऑफेंस है। बहुत सिंपल है ये, आपको बस क्या करना है, ध्यान में रखना है। सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेक्शन से एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जा सकते हैं, दैट इज वाई सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम देखते हैं नंबर 10, और ये है हमारा थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अब मुझे बताओ, थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की अगर बात करो आप, है ना, तो सबसे पहले कौन सा सेक्शन दिमाग में आ रहा है? तो जाहिर सी बात है, अगर थेफ्ट हुआ तो 43 विल बी एप्लीकेबल, थेफ्ट हुआ सेक्शन 66 विल बी एप्लीकेबल। तो 43 एंड सेक्शन 66 तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, इसके अलावा क्या हो सकता है? देखो, अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, एंड दिस इज अ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जिसका थेफ्ट हो रहा है, तो जरा सोचो, हम ये कह रहे हैं, मैं आपको शो कर दूं पहले, हम ये कह रहे हैं कि 43 एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल सही बात है, 66 एप्लीकेबल होगा, ये दोनों तो होगा ही होगा। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की चोरी हो रही है, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस है, 43 तो आएगा ही आएगा। 43 में भी हमने इस बात को डिफाइन किया है, थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इज अ काइंड ऑफ ऑफेंस, राइट। अब सवाल उठता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है जिसकी चोरी की जा रही है, तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट अ रिसोर्स। क्या हम इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर रिसोर्स कह सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, दैट इज ऑल्सो नथिंग बट अ रिसोर्स। और आप जानते हैं कि अगर किसी भी तरह के स्टोलन रिसोर्सेज को, कंप्यूटर को, कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड किसी भी तरह के स्टोलन रिसोर्सेज को अगर रखा जाता है, तो जाहिर सी बात है वो जो स्टोलन रिसोर्सेज का केस था, दैट इज कवर्ड इन सेक्शन 66B। तो क्या बी एप्लीकेबल होगा? हम कहते हैं यस। क्यों? क्योंकि अगर हम बी की बात करें, तो बी बात करता है स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज के बारे में, स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड डिवाइसेज की बात करता है, और इस केस में चूंकि इंफॉर्मेशन को चोरी किया गया है, तो जाहिर सी बात है 66B भी क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड। सो दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप सिंपली क्या कहते हैं? कंपनीज स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। कंपनी क्या करती है? कंप्यूटर सिस्टम में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है जिसका थेफ्ट हो रहा है।
किसका थेफ्ट हो रहा है? इंफॉर्मेशन का थेफ्ट हो रहा है, जाहिर सी बात है। किसका थेफ्ट हो रहा है? इंफॉर्मेशन का थेफ्ट हो रहा है। तो अगर थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो 4366 तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, उसके साथ साथ 66 बी भी क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये भी एक तरह का स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स है ना। कुछ खास नहीं करना, यहां चलते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट इज जो बात करता है सोर्स कोड थेफ्ट की। सोर्स कोड थेफ्ट की कुछ सेक्शंस आगे होंगे आपके दिमाग में, बताओ। 43 एप्लीकेबल होगा, यस। 66 एप्लीकेबल होगा, यस। 66 बी एप्लीकेबल होगा, बताओ, यस। 66 बी भी क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। तो ये तीनों सेक्शन तो निश्चित रूप से इसमें भी क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे। सोर्स कोड थेफ्ट, राइट। तो बड़ा सिंपल है ये भी। हम यहां क्या कह रहे हैं कि अगर सोर्स कोड को चुराया जाए, अगर किसी भी कंपनी का सोर्स कोड को चुराया जाए, सोर्स कोड क्या होता है? तो हम कहते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली कोवेटेड। ये क्या होता है? जनरली कोवेटेड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एसेट। किसी भी कंपनी का आप देखोगे सोर्स कोड को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट मान के चलते हैं। तो ये एक तरह का आपका कंप्यूटर रिसोर्स है, एक तरह का आपका एसेट है सोर्स कोड। और अगर वो सोर्स कोड का थेफ्ट होता है तो उस कंडीशन में कौन कौन से सेक्शन से एप्लीकेबल होंगे? तो जरा सोचो, अगर सोर्स कोड का थेफ्ट हुआ, आप याद करो आपने टैम्परिंग ऑफ सोर्स कोड में मैंने आपको सोर्स कोड समझाया था, आप सेम कॉन्सेप्ट यहां यूज करिए। अगर सोर्स कोड का थेफ्ट होता है तो क्या सेक्शन 43 एप्लीकेबल होगा? आप बोलोगे हाँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, 66 एप्लीकेबल होगा? आप बोलोगे हाँ। 66 बी एप्लीकेबल होगा? आप बोलोगे हाँ। ये तीनों तो होगा ही होगा, इसके अलावा कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? आप याद करो, टैम्परिंग ऑफ सोर्स कोड की अगर हम बात कर रहे थे, टैम्परिंग ऑफ सोर्स कोड किसमें कवर होता है? तो आप क्या बोलोगे? सेक्शन नंबर 65, यहां 65 भी एप्लीकेबल होगा। और 65 बात करता है किसकी? पनिशमेंट फॉर टैम्परिंग विद सोर्स कोड डॉक्यूमेंट। अगर सोर्स कोड डॉक्यूमेंट के साथ या सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ अगर किसी तरह की छेड़खानी होती है, टेम्परिंग होती है, उस कंडीशन में 65 भी एप्लीकेबल होगा। और चूंकि यहां सोर्स कोड थेफ्ट है तो 65 तो निश्चित रूप से एप्लीकेबल होगा। आपको बेसिकली करना क्या है, किसी भी ऑफेंस को अगर आपसे एग्जामिनेशन में कोई पर्टिकुलर ऑफेंस दिया जाए और टाइप ऑफ सेक्शंस एप्लीकेबल पूछा जाए, तो आपको क्या करना है? उस ऑफेंस को ध्यान से पढ़ना है और आपको देखना है कि यहाँ किस किस तरह का वायलेशंस हो रहा है, किस किस तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है, तो उस हिसाब से ये किस प्रोविजंस को अट्रैक्ट करेगा, कौन सा एक्ट इन्वोक होगा या एप्लीकेबल होगा इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। दिस इज व्हाट यू हैव टू डील विद। सो जो आपका कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस मैंने आपको बताए हैं, टोटल 11 ऑफेंसेस, और जो आपका प्रोविजंस था, टोटल 12 प्रोविजंस मैंने आपको बताए हैं, इन दोनों को आप हमेशा रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि आपको एप्लीकेबिलिटी की क्लैरिटी आएगी कि किस सिचुएशन में कौन सा सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए। आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस जो आपने कवर किया विद सेक्शंस, राइट। और हमारे पास सिंपल हमने सिंपली हर एक टाइप ऑफ ऑफेंस के मीनिंग को समझने के लिए कुछ कीवर्ड्स को लिया था। ये हमारा नोट सेक्शन हम यहाँ क्लोज करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, डिटेल में इसको फटाफट नोट कर लेंगे, राइट। सो हमारा नोट सेक्शन यहाँ खत्म होता है। नोट सेक्शन को क्लोज करिए और नोट सेक्शन को क्लोज करने के बाद एक टेबल बना लीजिए फटाफट, और उस टेबल के थ्रू हम क्या करेंगे, जो 11 ऑफेंसेस हैं उन 11 ऑफेंसेस को बहुत तेजी से हम फटाफट नोट कर लेते हैं, राइट। सो जस्ट ड्रॉ अ टेबल। तो चलिए हम लोग फटाफट क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे सारे ऑफेंसेस को, और देन आफ्टर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद आपके दो टॉपिक्स हैं, और जहां आप प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा की बात करेंगे और SPDI की बात करेंगे, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, नोट सेक्शन क्लोज कर लिया होगा आपने, एक सिंपल सा टेबल बनाते हैं और उसे क्या करते हैं, हम एक्सप्लेन कर लेते हैं सारे ऑफेंसेस को, राइट। So what we are going to do is we are going to create a table जिसमें हम तीन columns रखेंगे, ठीक है। First column में हम रखेंगे offenses को, कौन सा offense है। Second column में रख लेते हैं description को, third column में रख लेते हैं sections को। So we have the offenses, we have the description and we have the sections। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे एक table create कर लेंगे। So first table में you have the offenses, सेकेंड टेबल में उस ऑफेंस का डिस्क्रिप्शन, एंड थर्ड में एप्लीकेबल सेक्शंस, कौन से सेक्शंस किस ऑफेंस पे एप्लीकेबल होंगे। और हम जानते हैं ये है एज पर ITA 2000। सो IT एक्ट 2000 के आधार पे क्या क्या सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे किस ऑफेंस पे,
इसको हम थर्ड कॉलम में मेंशन करेंगे। तो हमारे पास तीन डिफरेंट कॉलम्स हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑफेंस से। सबसे पहला ऑफेंस हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला ऑफेंस हमने पढ़ा था हेरासमेंट वाया फेक पब्लिक प्रोफाइल, फेक पब्लिक प्रोफाइल ऑन सोशल मीडिया। यही था ना? बिल्कुल यही था, हेरासमेंट वाया फेक पब्लिक प्रोफाइल ऑन सोशल मीडिया। आपको याद होगा यहां हमने क्या कहा था कि सोशल मीडिया पे फेक प्रोफाइल बनाया जाता है विद करेक्ट इंफॉर्मेशन, व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू हेरासमेंट ऑफ विक्टिम इफ दैट पर्सन इज पोस्ड एज अ पर्सन ऑफ लूज कैरेक्टर और बीइंग डिपिक्टेड एज और शोन एज द प्रोस्टिट्यूट एक्सेट्रा। राइट, दैट वॉज द आइडिया। सो डिस्क्रिप्शन इसका हम कैसे लिख सकते हैं? तो सिंपल तरीके से जो आपने समझा था उसी को हमें मेंशन करना होता है एग्जाम में अगर पूछा जाए तो। आप कहेंगे अ फेक प्रोफाइल या अ फेक पब्लिक प्रोफाइल ऑफ पर्सन। नाउ हु इज द पर्सन हियर? तो आप कहते हैं सर विक्टिम इज क्रिएटेड ऑन सोशल मीडिया विद करेक्ट इंफॉर्मेशन, नेम, एड्रेसेस एक्सेट्रा, बट पर्सन इज पोस्ड एज पर्सन ऑफ लूज कैरेक्टर और प्रोस्टिट्यूट एक्सेट्रा। दिस लीड्स टू हेरासमेंट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है भाई? हेरासमेंट हो रहा है। राइट, सो दैट इज बेसिकली हेरासमेंट वाया फेक पब्लिक प्रोफाइल। यही सीखा था हमने कि फेक पब्लिक प्रोफाइल के केस में करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ अकाउंट बनाया जाता है, प्रोफाइल बनाया जाता है, एंड जिस प्रोफाइल पे उस इंसान को पर्सन ऑफ लूज कैरेक्टर या पर्सन ऑफ यू नो सम कुछ मेलिसियस बेसिकली आप तरीका इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जैसे किसी को डिग्रेड किया जा सके, डिफेम किया जा सके। एंड अगर ऐसा कुछ होता है उस कंडीशन में हम जानते हैं कि आईटी एक्ट का सेक्शन 67 इज गोइंग टू गेट एप्लीकेबल। कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? 67 अप्लाई होगा अगर क्या बनाया जाता है, हेरासमेंट किया जाता है वाया फेक प्रोफाइल। ये आपका पहला ऑफेंस था। हालांकि आपने नोट सेक्शन में बहुत डिटेल में समझा था, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं कि आपको कोई बहुत ज्यादा परेशानी हो जाए। सो ईमेल अकाउंट हैकिंग इज द सेकेंड वन। और आप जानते हैं इसमें क्या होता है, इसमें किसी का ईमेल अकाउंट हैक करता है कोई भी विक्टिम का, और ईमेल अकाउंट हैक करने के बाद उसका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उस अकाउंट के साथ, जो एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जो एड्रेस बुक में लोग हैं, उनको क्या किया जाता है? किसी तरह का ऑब्सीन मटेरियल ईमेल किया जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे, दैट व्हाट वी हैव टू सी हियर। आप क्या कहते हैं यहां सिंपली, इफ विक्टिम्स ईमेल अकाउंट इज हैक्ड, इफ विक्टिम्स ईमेल अकाउंट इज हैक्ड एंड ऑब्सीन मटेरियल आर सेंट टू पीपल इन एड्रेस बुक ऑफ विक्टिम। ठीक है, अब क्या हुआ, ईमेल अकाउंट को हैक किया गया और जितने भी लोग थे उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, उसके एड्रेस बुक में, उनको ऑब्सीन मटेरियल भेजा जा रहा है। और आप जानते हैं कि जैसे ही ऑब्सीन मटेरियल का केस आया तो कुछ सेक्शंस तो हमारे एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। सबसे पहली बात, ईमेल अकाउंट हैकिंग की बात थी तो हमने कहा था सेक्शंस जो एप्लीकेबल होंगे 43 होगा, यस 66 होगा, 66A होगा, 66C होगा। इसके अलावा 67 सीरीज के जो हमारे सेक्शंस थे 67, 67A एंड 67B, ये सारे सेक्शंस क्या हो जाएंगे? एप्लीकेबल हो जाएंगे अगर किसी का ईमेल अकाउंट हैक करके किसी तरह का ऑब्सीन मटेरियल भेजा जाता है तो। अब इन सब का कंडीशन है अलग अलग, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। थर्ड है हमारे पास क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। याद करो, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के केस में हम क्या कहते हैं कि इसमें बेसिकली आपका क्रेडिट कार्ड कोई दूसरा
से ट्रांजैक्शन कोई कर सकता है, बशर्ते आपका क्रेडेंशियल्स कॉम्प्रोमाइज हो। और आपका क्रेडेंशियल कब कॉम्प्रोमाइज होता है? जब आप बेसिकली इन्फेक्टेड कंप्यूटर से किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। इन दैट केस क्रेडेंशियल्स के डिस्क्लोज होने के चांसेस होते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपके साथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो सकता है, हमें एक एस्पेक्ट को कवर करके चलना है, राइट? तो वी सिंपली से दैट अनसस्पेक्टिंग यूजर, या यहां यूजर क्या है हमारा, विक्टिम है, उड यूज इन्फेक्टेड कंप्यूटर टू डू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। सो अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को करने के लिए इन्फेक्टेड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया, इन दैट केस क्रेडेंशियल्स मे गेट कॉम्प्रोमाइज्ड, और उस कंडीशन में आपके साथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो सकता है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या सेक्शन अप्लाई होगा? तो हम कहते हैं सर इन्फेक्टेड कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात है 43 इज एप्लीकेबल, 66 तो होगा ही होगा, राइट? इसके साथ साथ आइडेंटिटी थेफ्ट का भी मामला है एंड चीटिंग बाय पर्सनेशन का भी मामला है, तो 66 सी भी एप्लीकेबल होगा और 66 डी भी एप्लीकेबल होगा। फिर से याद करो, नोट सेक्शन में ठीक अभी से पहले मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि ये सेक्शंस किस तरह से एप्लीकेबल होंगे, राइट? ये था हमारा थर्ड। अब चलते हैं फोर्थ पे, वेब डिफेसमेंट। याद करो, वेब डिफेसमेंट के केस में हमने कहा था किसी वेबसाइट के होम पेज को क्या किया जा सकता है, डिफेस किया जा सकता है, मतलब उसको चेंज कर दिया गया, किसी वेबसाइट के होम पेज को चेंज करके किसी तरह का उस पर ऑब्सीन मटेरियल डाल दिया गया, तो इस सिचुएशन को हमने वेब डिफेसमेंट में कंसीडर किया था। यहां मैंने आपको एक और बात मेंशन करी थी, क्योंकि हम यहां ये भी देखेंगे कि साइबर टेररिज्म का भी मामला हो सकता है, और हमने क्या मेंशन किया था, बेसिकली हमने इस बात को मेंशन किया था कि अगर हम वेब डिफेसमेंट की केस की बात करें तो ये गवर्नमेंट वेबसाइट से साथ भी हो सकता है, और अगर किसी गवर्नमेंट पेज को डिस्टॉर्ट किया जाए किसी भी तरह से, उस कंडीशन में ये हो सकता है साइबर टेररिज्म का मामला हो जाए, राइट? सो सिंपली वी कैन से हियर द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट इज रिप्लेस्ड विद पोर्नोग्राफिक और डिफेमेटरी पेज। फिर हमने कहा गवर्नमेंट पेजेस मे ऑल्सो बी अटैक्ड, गवर्नमेंट पेजेस को भी अटैक किया जा सकता है। सो इस तरह से देखो आप, अगर आप बात करते हैं वेब डिफेसमेंट की, तो आपने कहा था सर यहां गवर्नमेंट पेजेस को भी अटैक किया जा सकता है, और कोई इंडिविजुअल यूजर है, कोई कंपनी है, किसी का इंडिविजुअल का किसी का वेबसाइट है, तो उन वेबसाइट पे भी हमारे को अटैक देखने को मिल सकता है। तो बताओ इस केस में अगर हम बात करें वेब डिफेसमेंट के केस में, तो एप्लीकेबल सेक्शंस कौन कौन से होंगे? क्या सेक्शन 43 अप्लाई होगा? हम कहते हैं ये तो होगा ही होगा। 66 अप्लाई होगा? होगा। और साइबर टेररिज्म का मामला अप्लाई हो सकता है, तो बताओ कौन सा सेक्शन लगाओगे आप? 66F एंड 67। ऑब्सीन मटेरियल की बात कर रहे थे हम, ये भी अप्लाई हो सकता है इन सम केसेस। हम कहते हैं ये कंडीशनल है, ये हर एक केस में अप्लाई नहीं होगा। 43, 66 तो हर एक केस में अप्लाई होगा, बट 66F और 67 डिपेंड करता है, ऑब्सीन मटेरियल का यूज किया गया है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल का यूज किया गया है, तो 67 अप्लाई हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट का वेबसाइट है तो उस कंडीशन में 66 अप्लाई होगा, बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट द साइबर टेररिज्म। इस तरह से आप देख सकते हैं वेब डिफेसमेंट को। फिर से कह रहा हूं, नोट सेक्शन में आपने बहुत डिटेल में इनको पढ़ा था, राइट? नंबर 5, इंट्रोड्यूसिंग वायरसेस, वर्म्स, बैकडोर्स, ठीक है, रूट किट्स, ट्रोजन एंड बग्स। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब कंप्यूटर कंटामिनेंट है, ये सब के सब कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं और आपके कंप्यूटर के फंक्शनिंग को किसी न किसी तरह से इंपैक्ट करते हैं। सो ऑल दीज आर सम काइंड ऑफ मेलिशियस प्रोग्राम्स। बताया था मैंने मेलिशियस का मतलब इंटेंशनली बैड, तो मेलिशियस प्रोग्राम्स इनको लिखा ही जाता है बेसिकली आपको किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए, विच आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय
और एक्सेस सम इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, आपके पास जो डेटा है, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए या उस डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए या आपके कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनिंग को किसी भी तरह से एडवर्सली इंपैक्ट करने के लिए बेसिकली इसका यूज करेगा कोई भी हैकर, आपका कॉम्पिटिटर भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, राइट? तो दैट इज बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग वायरस, वॉर्म्स एक्सेट्रा, और ये भी एक तरह का ऑफेंस है, हम जानते हैं। सीधी सीधी बात है, इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस की हम बात करते हैं, दैट एक्टिविटी इज इंक्लूडेड इन सेक्शन 43 एंड पनिशमेंट इज डील्ड इन सेक्शन 66। तो ये दोनों सेक्शन क्या होंगे, अप्लाई हो जाएंगे, सेक्शन 43 एंड 66 ऑफ आईटी एक्ट 2000। ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस एंड वर्म्स, ठीक है? चलो नेक्स्ट, फटाफट लिखते चलिएगा, इसमें ज्यादा टाइम देने की हमें आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म आपको याद होगा, साइबर टेररिज्म की अगर हम बात करते हैं तो साइबर टेररिज्म के केस में हमने बात करी थी इस बात की कि ऐसा हो सकता है कि अपने टेररिज्म प्लान के बारे में या अपने टेररिज्म एक्टिविटीज़ के बारे में टेररिस्ट क्या करें, किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, कंप्यूटर डिवाइस में अपना इन्फॉर्मेशन स्टोर करें। सो फिजिकल भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। FTP साइट्स की का जिक्र किया था हमने, दैट इज़ अ काइंड ऑफ ऑनलाइन सिस्टम जहाँ ऑनलाइन डेटा को स्टोर किया जा रहा है, या ड्राइव्स में भी रखा जा सकता है, और ड्राइव्स में अगर रखा जाता है दैट इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल स्टोरेज मीडियम, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि आज के डेट में टेररिस्ट वगैरह सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर यूजिंग द वेबसाइट, और उसके थ्रू भी वो बहुत सारे अपने एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। ये सारे के सारे एक्टिविटीज साइबर टेररिज्म के कैटेगरी में जाएंगे, और एप्लीकेबल सेक्शंस आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सो व्हाट वी कैन से हियर सिंपली, साइबर टेररिज्म इज द टेररिज्म कंडक्टेड इन साइबर स्पेस। Terrorism conducted in cyberspace where the criminals attempt to damage or disrupt computer system or telecommunication services or टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है? मेनी टेररिस्ट्स यूज FTP साइट्स, ड्राइव्स, ये सब क्या है? तो हम कहते हैं ये सब वर्चुअल मीडिया है, एंड USB हार्ड डिस्क, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल स्टोरेज है, टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ देयर इलिसिट एक्ट, ऑफ देयर इलिसिट एक्ट। तो अपने इलिसिट एक्ट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो टेररिस्ट होते हैं वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने का। वो टारगेट कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम को डिसरप्ट करने का, नेटवर्क को डिसरप्ट करने का, टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस को डिसरप्ट करने का। हैकिंग में भी उनका बहुत बड़ा आज के डेट में वो एज अ टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं टेररिज्म फैलाने के लिए। तो साइबर टेररिज्म की अगर हम बात करें तो ये इसका एक बेसिक एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। जहां तक एप्लीकेबल सेक्शन का सवाल है तो हम कहते हैं यहां जो सेक्शंस होंगे, अब जैसे देखो 43 एप्लीकेबल होगा, होगा ही होगा, 66 भी होगा और 66A भी होगा, राइट? सो 43 इज एप्लीकेबल, 66 इज एप्लीकेबल एंड 66A इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन द केस ऑफ व्हाट, साइबर टेररिज्म, राइट? अब चलिए मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, एक्चुअली बात यह है कि जो आपका सेक्शन 66A है, ये सेक्शन को 2015 में ही 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और स्ट्राइक डाउन किया। मतलब 66A जो है, दैट सेक्शन इज ऑलरेडी रिपील्ड, है ना, इसको हटाया जा चुका है। अब इट वाज स्ट्रक डाउन इन 2015 बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है? 2015 में इस सेक्शन को क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का कहना था, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो देयर इज आर्टिकल 19(2) व्हिच टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, और देर वॉज अ केस एंड दैट केस वॉज श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। जिस केस को हेयर करते वक्त सुप्रीम कोर्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचता है
कि जो सेक्शन 66 ए है विच टॉक्स अबाउट द सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस ऑनलाइन, अगर आप इंटरनेट पे किसी तरह का ऑफेंसिव मैसेज भेजते हैं उस कंडीशन में आपको जेल हो सकता है, राइट? दैट वाज द बेसिक आइडिया, फाइन भी हो सकता है. सो ऑफेंसिव मैसेज को लेके सुप्रीम कोर्ट वाज वेरी मच यू नो, बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट था उनका, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. और उनका कहना था कि अगर हम ऑफेंसिव मैसेज की बात करें तो व्हाट इज ऑफेंसिव फॉर वन पर्सन मे नॉट बी ऑफेंसिव फॉर अनदर पर्सन, एंड दे हैड लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन वॉज मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसको 2015 में दे स्ट्रक इट डाउन. बट प्रॉब्लम क्या है जरा सोचो. तो हम कहते हैं सर अगर ये सेक्शन है ही नहीं, ये रिपील्ड है, और अगर ये हटाया जा चुका है तो भी ये हमारे सिलेबस में क्यों है? आपके सिलेबस में ही नहीं, आपको जान के बड़ा ताजुब होगा कि ये यूज में भी है. यूज में है कि कहने का मतलब कि ये 2015 के बाद भी, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, मतलब बेसिकली जैसे मान लो पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो अगर किसी को अरेस्ट करते हैं किसी तरह के क्राइम में, तो उन्हें ये 66 ए दिखता है, लगाना बड़ा आसान है. साइबर टेररिज्म में डाला गया है इसको, यानी कि अगर आप मान लो गवर्नमेंट के खिलाफ आपने किसी तरह का ऑफेंसिव मैसेज ऑनलाइन लिखा, तो उस कंडीशन में आप पे साइबर टेररिज्म का सेक्शन लगाया जा सकता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फॉर. सो जो उस समय एनडीए की गवर्नमेंट थी, तो एनडीए की गवर्नमेंट का कहना था कि भाई हम इसका मिसयूज नहीं करेंगे. तो कोर्ट ने कहा आप नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन इसकी कौन गारंटी लेगा कि आने वाली कोई गवर्नमेंट इसका मिसयूज ना करे? निश्चित रूप से इस सेक्शन का मिसयूज होगा. और ऑफेंसिव मैसेज को इंटरप्रेट करना, उसको समझना, उसको एक्सप्लेन करना, ये बहुत मुश्किल काम है. और ये कहीं ना कहीं लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच पे क्या है, एक पहरा लगाने की बात हो रही है. और इसी को ग्राउंड बना के सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाया था. लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली यूज होता रहा. 2015 में इसके स्ट्रक डाउन होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाया, उसके बाद भी ये लगातार यूज होता रहा. और नौबत ये आ गई थी कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देना पड़ा कि जितने भी हाई कोर्ट हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन सबको जो श्रेया वाला, जो श्रेया वर्सेस यूआई वाला जो जजमेंट था, उस जजमेंट की कॉपी सबको भेजी जाए कि ताकि सबको पता चले कि सेक्शन 66A जो है वो अप्लाई नहीं करना है, ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कहा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा. और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये सेक्शन नहीं एग्जिस्ट कर सकता विद आर्टिकल 19.2. सो आर्टिकल 19.2 टॉक्स अबाउट व्हाट? फ्रीडम ऑफ स्पीच. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 92 देखो, इट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच. और 66A कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या करता है? कर्व करता है. सो ये इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज व्हाई, अब जरा गौर करो, अगर आप स्टडी मैट देखोगे, यू हैव ऑफेंस हियर जिसको आपने ईमेल हैकिंग के बारे में आपने यहां पढ़ा था, राइट? सो ईमेल अकाउंट हैकिंग में भी आपको 66A यहां देखने को मिल रहा होगा, ठीक है? यहां मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मुझे एक साथ ही एक्सप्लेन करना था, तो मैं आपको दूसरी जगह भी लेके जाना चाह रहा था जहां ऑलरेडी ये मेंशन्ड है. तो ये क्या है भाई? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. ये क्या है? ये एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो भी ये हमारे स्टडी मैट में मेंशन किया गया है. तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो एरर है, है ना? एरर मान के हम इसको चलेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि 66A से हमसे सवाल एग्जामिनेशन में ना पूछा जाए, क्योंकि ये सेक्शन अब एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये इट कैन नॉट एग्जिस्ट विद द आर्टिकल 92 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एज सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2015. 2015 में ही इसको क्या किया जा चुका है? हटाया जा चुका है इस सेक्शन को. तो ध्यान में रखिएगा आप 66A के बारे में, इसकी कहानी को भूलना मत. ये क्या है? कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. किसने कहा भाई? हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, राइट? इसको ध्यान में रखना है. ये था आपका साइबर टेररिज्म, डन. चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पे. साइबर टेररिज्म के बाद नोट तो कर ही लिया होगा आपने, जाहिर सी बात है. विल गो टू द 7th one, ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल. हमने सीखा था अगर इलीगल आर्टिकल का ऑनलाइन सेल हो तो क्या हो. इलीगल आर्टिकल में क्या आ सकते हैं? तो हम कहते हैं सर वेपन आ सकता है, ड्रग्स आ सकता है, राइट? इस तरह के एक्टिविटीज को अगर हम ऑनलाइन करते हैं, इस तरह के आइटम को अगर ऑनलाइन सेल किया जाता है, इन दैट केस दैट इज अ क्लियर कट केस ऑफ व्हाट? ऑफेंस. नहीं किया जा सकता, डिफरेंट सेक्शंस विल बी एप्लीकेबल, जाहिर सी बात है. सो वेयर सेल ऑफ ड्रग्स, नार्कोटिक्स, वेपन्स एक्सेट्रा आर मेड ऑनलाइन. और याद करो इसमें मैंने आपको क्या कहा था कि हम इसमें किसका हेल्प लेंगे? कन्वेंशनल एक्ट्स का.
जो कन्वेंशनल लॉज है हमारे, कन्वेंशनल लॉज से ही हम इसको क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। आईटी एक्ट में यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली बात नहीं है, आपको आईपीसी पे जाना पड़ेगा। आ जाइए नंबर 9, नंबर 8, साइबर पोर्नोग्राफी, सेक्शन एप्लीकेबल 67, 67A, 67B, जाहिर सी बात है। पोर्नोग्राफी, अब हमने ये कहा था यहां, आप याद करो मैंने आपको पोर्नोग्राफी के बारे में बताया था कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पोर्नोग्राफी इज नॉट इलीगल, राइट, बट चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज व्हाट, इलीगल एवरीवेयर। सो इसी बात को हमें मेंशन करना है, पोर्नोग्राफी में नॉट बी इलीगल इन सम कंट्री, इन सम कंट्री बट चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज। तो आप इसमें सारे सेक्शंस लेकर चलोगे, तीनों के तीनों, 67 आएगा, यस, 67A आएगा, यस, 67B आएगा, यस, ये है आपका साइबर पोर्नोग्राफी। चलते हैं 9, फिशिंग एंड ईमेल स्कैम, फिशिंग एंड ईमेल स्कैम, ठीक है, समझा हुआ है ना, हमने बहुत ज्यादा टाइम मैं इस पर नहीं दूंगा। फिशिंग एंड ईमेल स्कैम, सेक्शन बताओ, आइडेंटिटी थेफ्ट, यस, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, यस, चीटिंग बाय पर्सनेशन, यस, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस सेक्शन 66, आइडेंटिटी थेफ्ट 66C, चीटिंग बाय पर्सनेशन 66D, ये तीनों सेक्शंस क्या होंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे, राइट। तो वी सिंपली से हियर दैट फिशिंग इन्वॉल्व्स फ्रॉडुलेंटली एक्वायरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थ्रू मास्कुरेडिंग वन सेल्फ एज अ ट्रस्टेड एंटिटी। सेक्शंस एप्लीकेबल आर 66, 66C, 66D, ठीक है, ये हो गया आपका फिशिंग और ईमेल स्कैम, राइट। चलते हैं नेक्स्ट, नंबर 10। सो नंबर 10 इज ऑल अबाउट योर थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो हम चलते हैं नंबर 10 पे, थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अब जरा देखो क्या होता है कि हम जानते हैं जो कंपनीज होती हैं वो अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती हैं डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम में, जाहिर सी बात है, और जो इंफॉर्मेशन यू नो ऐसा भी हो सकता है टॉप सीक्रेट हो, कॉन्फिडेंशियल हो, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हो, राइट, उस केस में उस इंफॉर्मेशन को अटैक का डर रहता है या अटैक किया जा सकता है उस पर किसी के द्वारा, कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है या कोई साइबर क्रिमिनल हो सकता है या डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय भी हो सकता है, आपका नाखुश जो है आपसे वो भी आप पे अटैक कर सकता है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है और तो दैट इज इट इज बेसिकली व्हाट वी हैव टू डील इन द थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। हम सिंपली कहते हैं मेनी कंपनीज स्टोर्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर सिस्टम्स, दीज सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन मे बी अटैक्ड बाय कॉम्पिटिटर्स, साइबर क्रिमिनल्स एंड डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉइज एक्सेट्रा, डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉइज एक्सेट्रा, राइट। तो ये हम देख सकते हैं, और जैसे आप थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो बताओ क्या सेक्शन नंबर 43 एप्लीकेबल होगा, यस,
क्या 66 एप्लीकेबल होगा? यस. क्या 66 बी एप्लीकेबल होगा? यस. दीज थ्री सेक्शंस ऑफ आईटी एक्ट इज गोइंग टू गेट एप्लीकेबल ऑन दिस पर्टिकुलर ऑफेंस, दैट इज थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. राइट. तो ये था आपका 10. नाउ वी विल गो टू द 11th एंड द लास्ट. टोटल ऑफेंसेस कितने पढ़ने हैं हमें? 11 ऑफेंसेस पढ़ने हैं. हम चलते हैं 11th. एंड 11th इज बेसिकली सोर्स कोड थेफ्ट. अब हम कहते हैं अगर सोर्स कोड की बात करें, सोर्स कोड इज जनरली मोस्ट कोवेटेड एंड इंपॉर्टेंट असेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट असेट होता है. राइट. तो बताओ सेक्शंस एप्लीकेबल बताओ. क्या 43 अप्लाई होगा? यस. और 66 अप्लाई होगा? यस. अब टेम्परिंग विद सोर्स कोड 65 अप्लाई होगा? यस. और 66 बी अप्लाई होगा? हम कहते हैं सर्टेनली ये भी अप्लाई होगा. इस तरह से आपने देखा डिफरेंट ऑफेंसेस का एक्सप्लेनेशन. दो पार्ट में हमने इसको देखा. पहले एक नोट सेक्शन में हमने उसको थॉरली समझा था कि किस पर्टिकुलर ऑफेंस पे किस तरह के सेक्शन एप्लीकेबल होंगे. हमने उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करके देखा था ऑफेंसेस को ध्यान से वर्ड बाय वर्ड. और हम जो रेलेवेंट सेक्शंस हमारे को दिए गए हैं हमारे स्टडी मैट में हमने उसको सीखा. हमने ये भी सीखा कि सेक्शन 66 ए मेंशनड है जबकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था 2015 में ही. हालांकि ये यूज में है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है भाई इसको यूज मत करो. 2018 में उन्होंने डायरेक्टिव भी दिया था. बट ठीक है हमारे स्टडी मैट में मेंशनड है तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम इसका ध्यान में रखेंगे. बट अपने को ये मान के चलना है कि दिस सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. फिर भी अगर कहीं अपियर होता है इस तरह से कि हम मजबूर हो जाएं 66 ए को सेलेक्ट करने के लिए तो वो अलग बात होगी. जो मुझे लगता नहीं है होगा क्वेश्चन सेट करते वक्त शायद वो ये गलती ना करें. ये एक एरर हो सकता है हमारे मैट में. एरर के रूप में आप इसे देख सकते हैं. दैट्स इट. राइट. तो इस तरह से आपने देखा डिफरेंट ऑफेंसेस को और किस ऑफेंस का क्या मतलब है टेक्निकली और उस पर कौन कौन से सेक्शन एप्लीकेबल होंगे. ये कुछ सैंपल ऑफेंसेस थे. हमेशा याद रखना कि अगर आपसे क्वेश्चन बनाया जाएगा जब क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा तो उसमें किसी भी तरह से ऑफेंसेस को रोटेट करके दिया जा सकता है उसको ट्विस्ट करके दिया जा सकता है और आपसे रेलेवेंट सेक्शंस पूछे जा सकते हैं. केस सिनेरियोज में आपको इसको इंक्लूड करके आपसे रेलेवेंट सेक्शंस पूछे जा सकते हैं. तो आपको बहुत ही ध्यान से बहुत ही माइन्यूटली क्या करना चाहिए सेक्शंस को 12 के 12 प्रोविजंस को आपको ध्यान में रखना होगा. 43 43 ए 65 66 66 बी सी डी ई एफ 67 67 ए एंड 67 बी. बस इतने ही प्रोविजन तो है. ज्यादा प्रोविजन तो आपको दिए नहीं गए पढ़ने को. तो इतने प्रोविजन को आपको क्या करना है थॉरली कवर करके रखना है अच्छी तरह से समझ के रखना है ताकि अगर कोई केस सिनेरियो आपसे पूछा जाए तो आप उसे आसानी से डील कर सके. राइट. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली जो आई टी एक्ट 2000 के टॉपिक में हमारे पास है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा. तो हम चलते हैं अपने छठे कॉन्सेप्ट पे जहां हम बात करेंगे प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा के बारे में जिसमें सिर्फ 6 प्रिंसिपल हैं. उसमें हमें कुछ खास करने को हमारे पास नहीं है. तो चलिए हम समझते हैं प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा को. दैट्स आवर कॉन्सेप्ट नंबर 6. नोट कर लिया होगा आपने पक्का करके. चलते हैं हम हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे जहां हम बात करते हैं प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा की. प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा. राइट. प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा की अगर हम बात करें सिंपली तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. जरा ऐसे सोचो कि अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं राइट और वेबसाइट पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और सपोज यू हैड टू परचेज समथिंग. तो आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया एंड यू गिव ऑल ऑफ योर इन्फॉर्मेशन लाइक योर नेम योर एड्रेस योर क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स अगर वहाँ है. तो पेमेंट मैकेनिज्म देखोगे आप जनरली जो वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट है खास करके वो सेव करते हैं. तो दे आस्क यू फॉर द सेम कि क्या आप अपना पेमेंट डिटेल सेव करना चाहते हैं. समटाइम्स यू से यस यस. तो ये सारा डेटा आपका उस वेबसाइट के पास जा रहा है. आपको नहीं लगता कि ये डेटा वेबसाइट के पास होना हमेशा अपने आप में एक कंसर्न है? आपके दिमाग में रहेगा ये बात कि वो डेटा मेरा किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज ना हो. क्या ये पॉसिबल है उस वेबसाइट ने जिसने आपसे ये डेटा कलेक्ट किया वो डेटा किसी और किसी थर्ड पार्टी को बेच दे? ये सारे कंसर्न्स होते हैं जब हम ऑनलाइन डेटा की बात करते हैं. जब ऑनलाइन डेटा लोगों का पर्सनल डेटा की हम बात करते हैं तो बहुत सारे कंसर्न्स हैं. इतना ही नहीं जब आप प्राइवेसी ऑफ डेटा की बात करोगे तो प्राइवेसी ऑफ डेटा में के जो कानून हैं डिफरेंट कंट्रीज में वो भी वैरी करते हैं एक दूसरे से.
और हम जानते हैं ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, दे आर मल्टी नेशनल कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन मल्टीपल नेशंस, और हर एक कंट्री में आप देखोगे कि प्राइवेसी को लेके उनके रूल्स क्या हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस एक्ट्स अलग अलग हैं। तो इससे भी ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे ये मल्टीनेशनल कंपनी एक स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉर प्राइवेसी ऑफ डेटा को अडॉप्ट कर सके, फॉलो कर सके, राइट। खैर, हमारे को जो प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा है उसमें हमें बस इस बात का ध्यान में रखना है कि व्हेनेवर अ पर्सन, व्हेनेवर एन इंडिविजुअल विजिटेड सम वेबसाइट और सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, देन दैट दैट इज क्वाइट पॉसिबल द पर्सन इज शेयरिंग सम पर्सनल डेटा लाइक नेम, एड्रेस एक्सेट्रा, और वो डेटा का प्राइवेसी मेंटेन करने की जिम्मेदारी उस कंपनी पे है जो कंपनी वो डेटा टेक्निकली आपसे ले रही है, आपसे कलेक्ट कर रही है। सो इसी से रिलेटेड ये प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन ऑनलाइन डेटा है आपका, जिसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं आईटी एक्ट में, तो हमें उन प्रिंसिपल्स को क्या करना है, ध्यान में रखना है। सो प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा की अगर हम बात करें, इससे पहले कि हम प्रिंसिपल पे जाएं, एक छोटा सा वन लाइनर इंट्रोडक्शन हम यहाँ मेंशन करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं इसके। टोटल 6 प्रिंसिपल हैं जो हमें पढ़ना है, बहुत सिंपल तरीके से हम प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख सकते हैं। सो व्हाट वी कैन से हियर, व्हेनेवर अ पर्सन visits some website or online platform, some kind of, then he or she might providing or sharing some personal information or data like name, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या पेमेंट डिटेल्स किसी भी तरह का एक्सेट्रा विद द कंपनी और ओनर ऑफ द वेबसाइट। इन सच सिचुएशन the company is responsible to maintain the privacy so कौन responsible है भाई, company responsible है कि वो data के privacy को maintain करके चल सके। यही basically आपका privacy of data का concept है। यहां हमें क्या करना है, we have to go through the main principles, हमें इसके प्रिंसिपल्स को समझना है, राइट। सो लेट्स सी कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा में। जैसा मैंने आपको बताया टोटल 6 प्रिंसिपल्स हैं, जिन प्रिंसिपल्स को हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखना होगा। सिंपली मैं आपको कोड कर दूंगा, आसानी से आपको 6 के 6 प्रिंसिपल्स दिमाग में रह जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। सो वी से द मेन प्रिंसिपल्स, द मेन प्रिंसिपल्स on data protection and privacy are enumerated under IT Act 2000। अब ये main principles क्या क्या हैं जिसको आपको देखना है, ठीक है। total कितने principles की हम बात कर रहे हैं, हमने कहा टोटल 6 प्रिंसिपल्स हैं, व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, राइट। अब हम, जैसा मैंने आपको बताया कि ये 6 प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसको समझने से पहले जिसको समझना बहुत आसान है इनफैक्ट, तो मैं आपको यहाँ एक रफ नोट देता हूँ, जिस रफ नोट से आप आसानी से क्या कर पाएंगे, 6 के 6 प्रिंसिपल्स को समझ पाएंगे। इट्स नॉट अ बिग डील हियर, एक नोट्स बनाइएगा। देखो, अगर हम आईटी एक्ट की बात करें, आईटी एक्ट 2000 की अगर हम बात करें, और आईटी एक्ट 2000 के बारे में हमारे पास जितनी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से अगर हमने कहीं कोई जिक्र देखा हो प्राइवेसी से रिलेटेड, या आईटी एक्ट हमें किस तरह से एम्पावर करता है प्राइवेसी को, प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट डेटा को लेके ऑनलाइन, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने नोटिस किया एक चीज़ को कि आईटी एक्ट 2000 में
ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करता है। जब हम डेटा की बात करते हैं, डेटा की बात कर लो, इंफॉर्मेशन की बात कर लो, कंप्यूटर डेटाबेस की बात कर लो, कंप्यूटर की बात कर लो, इन सब का डेफिनेशन आपको आईटी एक्ट में मिला था। सेक्शन आपको याद करो, सेक्शन टू के अंदर सारे डेफिनेशन थे और सेक्शन टू के अंदर कुछ डेफिनेशन को हमने पढ़ा था, राइट, जो हमारे को पढ़ना था साइबर क्राइम को समझने के लिए। बट एज फार एज डेटा प्रोटेक्शन इज कंसर्न, इफ डेटा इज डिफाइंड, इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड, डेटाबेस इज डिफाइंड, कंप्यूटर इज डिफाइंड, तो जाहिर सी बात है उस केस में डेटा प्रोटेक्शन में वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। सो सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आईटी एक्ट जो है वो डिफाइन करता है डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को यहाँ। सो वी से वी कैन सिंपली से दैट इट सबसे पहला प्रिंसिपल डिफाइनिंग, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग। क्या क्या डिफाइन करता है? कंप्यूटर को डिफाइन करता है, कंप्यूटर डेटाबेस को डिफाइन करता है, राइट, डेटा को डिफाइन करता है, इंफॉर्मेशन को डिफाइन करता है, एक्सेट्रा। इस तरह से आप देखते हो कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को ये क्या कर रहा होता है, डिफाइन कर रहा होता है, मतलब एक तरह की आइडेंटिटी दे रहा होता है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो है उसमें हम ये ध्यान में रखेंगे कि दैट इन आईटी एक्ट वी हैव देयर इज आईटी एक्ट इज डिफाइनिंग डिफरेंट टर्म्स लाइक कंप्यूटर डेटाबेस, लाइक डेटा, लाइक इंफॉर्मेशन, एक्सेट्रा, राइट। पहली चीज। सेकेंड जो हमने देखा, हमने ये देखा था कि अगर किसी भी तरह से ब्रीच होता है प्राइवेसी का, जैसे हमने आप याद करो, वी हैव सीन वेरियस सेक्शंस, जैसे हम कहते हैं फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा। तो जैसे ही आपने फेलियर टू प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा की आप बात कर रहे थे, जब एसपीडीआई में सेक्शन 43A में आपने इसको पढ़ा था, तो आपने देखा था कि देयर वॉज प्रोविजन फॉर पनिशमेंट, राइट। सो अगर किसी भी तरह का ब्रीच होता है प्राइवेसी का, तो आईटी एक्ट हमें प्रोविजन देता है जिसके तहत हम क्या करते हैं, फाइन एंड पेनल्टी को इम्पोज कर सकते हैं ऑन द पर्सन हु इज डूइंग द सेम, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट यहाँ होगा, जिसे हम क्या कहेंगे यहाँ, सिंपली इम्पोज पेनाल्टीज। क्या इम्पोज कर सकते हैं हम? पेनाल्टीज इम्पोज कर सकते हैं फॉर ब्रीच। अगर प्राइवेसी का ब्रीच हुआ, कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच हुआ, तो उस कंडीशन में व्हाट वी कैन इम्पोज द पेनाल्टीज एंड फाइन्स एज वेल। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। तो पहला प्रिंसिपल क्या कहा आपने, डिफाइनिंग कंप्यूटर डेटाबेस, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, एक्सेट्रा। सेकेंड प्रिंसिपल में आप क्या कह रहे हैं, पेनाल्टी इम्पोज होगा अगर ब्रीच हुआ प्राइवेसी का, अगर ब्रीच हुआ कॉन्फिडेंशियलिटी का। तो अब जरा गौर करना, जब हम पनिशमेंट की बात कर रहे थे, जब हम लाइबिलिटी की बात कर रहे थे, टेक्निकली हमने प्रोविजंस में भी देखा था और ऑफेंसेस में भी देखा था, हमने ये समझा था कि अगर किसी भी तरह का ऑफेंस होता है उस कंडीशन में दोनों तरह की लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है, सिविल लाइबिलिटी भी और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी। सो कंप्यूटर को एक्सेस किया जाए या कंप्यूटर को सिक्योर एक्सेस किया जाए, उस दौरान दोनों तरह की लाइबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं। तो आप कहते हैं कि क्रिमिनल लाइबिलिटीज भी क्रिएट होती हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटीज भी क्रिएट होती हैं, और साथ ही साथ हम क्या कह सकते हैं, सिविल लाइबिलिटीज भी क्रिएट होती हैं, इसको हमने वहाँ देखा हुआ था। सो क्रिमिनल लाइबिलिटीज एंड सिविल लाइबिलिटीज दोनों ही क्रिएट होती हैं अगर कोई भी पर्सन, इफ एनी पर्सन एक्सेस और सिक्योर एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम, दोनों सिचुएशन में अगर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को कोई भी पर्सन एक्सेस करता है या सिक्योर एक्सेस करता है, उस कंडीशन में दोनों तरह के प्रोविजंस लाइबिलिटीज क्रिएट होती हैं, सिविल लाइबिलिटी भी क्रिएट होती है और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी क्रिएट होती है। देखो आपने क्या कहा, डिफाइन करना डिफरेंट टर्म्स को, इम्पोज करना पेनाल्टीज इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, इसका प्रोविजन है हमारे पास। क्रिमिनल लाइबिलिटी भी क्रिएट होगा, सिविल लाइबिलिटी भी क्रिएट होगा। सो क्रिएटिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्रिएटिंग सिविल लाइबिलिटी, दोनों ही तरह की लाइबिलिटीज आपको यहां देखने को मिलेंगी, राइट। आईटी एक्ट के तहत व्हाट वी कैन डू, दैट वी कैन डिक्लेयर एनी कंप्यूटर सिस्टम एज अ सिक्योर सिस्टम। आप क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है, जिसको हम कहेंगे डिक्लेयरिंग एनी कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क एज अ सिक्योर सिस्टम। तो हम क्या कह सकते हैं, डिक्लेयरिंग एनी कंप्यूटर सिस्टम, एनी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर एक्सेट्रा एज सिक्योर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर को हम क्या कर सकते हैं, एज अ सिक्योर्ड सिस्टम डिक्लेयर कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, व्हाट व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, राइट। अब इसके बाद जब आता है कि जब जब किसी तरह का ब्रीच हो, किसी तरह का इशू क्रिएट हो, राइट, प्राइवेसी को लेके, कॉन्फिडेंशियलिटी को लेके अगर किसी तरह का ब्रीच होता है और इश्यूज क्रिएट होते हैं, फॉर दैट पर्पस आईटी एक्ट के तहत क्या हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, या आप सिंपली कहते हैं सेटिंग अप। सेटिंग अप किसका, ट्रिब्यूनल्स का, है ना।
आप यू नो हायरार्की ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी, आप सिंपली इतना याद रखना अभी, हायरार्की ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी, हायरार्की ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी, चाहे आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स की बात करें, साइबर रेगुलेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात करें, इन सबको इस्टेब्लिश किया गया अंडर द आईटी एक्ट 2000, जो बेसिकली क्या करता है, इनसे रिलेटेड इश्यूज को आप वहां सॉर्ट आउट करा सकते हैं। तो जरा गौर करना कि ये बेसिक मेजर प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स कंसर्न्ड है प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा से, कॉन्फिडेंशियलिटी से, राइट। तो आप क्या कहते हैं कि पहला प्रिंसिपल में आप ऐसा कह सकते हैं कि डिफाइनिंग कंप्यूटर डेटाबेस, डेटा इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। सेकंड में आप कह सकते हैं इम्पोजिंग पेनाल्टीज इन केस सम ब्रीच हैपेंस इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। थर्ड आप कह सकते हैं क्रिएटिंग सिविल लाइबिलिटी इफ सम पर्सन एक्सेस और सिक्योर एक्सेस सम कंप्यूटर सिस्टम, और उसके बाद आप क्या कह सकते हैं क्रिएटिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी एज वेल इफ सम पर्सन एक्सेस और सिक्योर एक्सेस सम कंप्यूटर सिस्टम। इतना ही नहीं, आपने ये भी सीखा कि हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर नेटवर्क को, कंप्यूटर को डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ सिक्योर्ड सिस्टम, दैट कैन ऑल्सो बी डन। सो इफ इट इज सिक्योर्ड सिस्टम तो जाहिर सी बात है उसको एक्सेस सब नहीं करेंगे, उसके लिए अथॉरिटी फिक्स करी जाएगी। और साथ ही साथ आपने कहा सेटिंग अप, मतलब एक एस्टैब्लिशमेंट है इसके तहत हायरार्की ऑफ अथॉरिटी का, जिसमें हम एडजुकेटिंग ऑफिसर्स की बात करते हैं या हम एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। तो ये छह बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिन छह प्रिंसिपल्स को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो जरा जरा गौर करो हमारे पास क्या है, इसको हम कैसे ध्यान में रख सकते हैं। हमारे पास एक क्रिएटिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्रिएटिंग सिविल लाइबिलिटी एंड डिफाइनिंग डिफरेंट टर्म्स, तो इसको अपन कह देते हैं सी सी डी, राइट। और फिर हमारे पास है इम्पोज पेनाल्टीज, डिक्लेयरिंग एंड सेटिंग अप, इसको अपन कह देते हैं IDS। तो CCD, IDS, तो कितने प्रिंसिपल्स हैं टोटल, सिक्स प्रिंसिपल्स आर देयर, इसको हम कह सकते हैं CCD, IDS। टोटल कितने प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, छह प्रिंसिपल्स हैं, और इन छह प्रिंसिपल्स को आपको क्या करना है, लिस्ट करके रखना है ताकि आप इसको आसानी से एग्जामिनेशन में शो कर सके, लिख सके, राइट। तो आ जाओ सबसे पहला देखते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहा हमने, डिफाइनिंग डेटा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर डेटाबेस एक्सेट्रा, ठीक है। सेकंड, क्रिएटिंग सीक्वेंस मायने नहीं रखता, सिविल लाइबिलिटी इफ एनी पर्सन एक्सेस और सिक्योर एक्सेस सम कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। ये हो गया सिविल लाइबिलिटी, डिफाइनिंग, थर्ड क्रिएटिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना हमारे को, सेम होगा डेफिनेशन एग्जैक्टली, क्रिएटिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी इफ एनी पर्सन एक्सेस और सिक्योर एक्सेस सम कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। ये हो गया आपका, इसको अपन ऐसे ले लेते हैं CCD। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया CCD, राइट। अब चलते हैं IDS पे, फोर्थ इंपोजिंग पेनाल्टी, इफ कब पेनाल्टी हम इंपोज करेंगे, जब क्या हो, या इंपोजिंग पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी का अगर ब्रीच होगा तो पेनाल्टी इंपोज करने के लिए हमारे पास, वी हैव द प्रोविजंस फॉर दैट, सो दैट इज द इंपोजिंग पेनाल्टी। नेक्स्ट नंबर फोर, डिक्लेयरिंग एनी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और
computer network as protected, secured कहने का मतलब क्या था, protected system. तो किसी भी system को हम क्या कर सकते हैं, as a protected system declare कर सकते हैं. And the last one is setting up hierarchy of authority including adjudicating officer, cyber appellate tribunal, cyber regulations appellate tribunal. ठीक है, ये हैं आपके डिफरेंट प्रिंसिपल्स जिसको आप कहते हैं प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा. तो सिंपल तरीका क्या है ध्यान में रखने का, तो हमने कहा सर इसको हम ऐसे ध्यान में रखेंगे, सीसीडी आईडीएस, राइट, वेयर वन सी स्टैंड्स फॉर क्रिएटिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी, वन इज क्रिएटिंग सिविल लाइबिलिटी, डी फॉर डिफाइनिंग टर्म्स, फिर हमारे पास आईडीएस का मतलब इम्पोजिंग पेनाल्टीज, देन वी हैव टू डिक्लेयरिंग एनी सिस्टम एज अ प्रोटेक्टेड सिस्टम, एंड द लास्ट वन इज सेटिंग ऑफ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी. तो इस तरह से हम देख सकते हैं देयर आर सिक्स डिफरेंट प्रिंसिपल्स व्हाट बेसिकली डील्स विद प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा, या इसको आप कह सकते हैं प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा. ये था आपका प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा, जिसमें मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि हमें कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है. प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा के बाद वी हैव टू गेट इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज बेसिकली एसपीडीआई. एसपीडीआई स्टैंड्स फॉर सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन. तो सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हमारे को पढ़ना है, राइट. सेक्शन 43A जो है, सेक्शन 43A के अंदर आप जानते हैं सेक्शन 43A टॉक्स अबाउट द फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा. तो उसी के अंदर एक रूल फ्रेम किया गया था इन ईयर 2011, एंड दैट रूल बेसिकली टॉक्स अबाउट रीजनेबल प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स टू प्रोटेक्ट डेटा. आपने 43A में भी ये बात को सीखा था कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी पर्सन का डेटा, पर्सनल डेटा लेता है, और अगर ये देखा जाता है कि वो सही तरह से एक रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर जो था अप्लाई नहीं कर पाया, उसका इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से किसी को रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस हुआ है, इन दैट कंडीशन यू टॉक्ड अबाउट द पनिशमेंट, राइट. आपने कहा था दे विल हैव टू पे कंपनसेशन डैमेज के लिए, जो भी कंपनसेशन होगा दे विल हैव टू पे. अब जरा गौर करो, वो जो 43A था उसी के अंदर एक रूल बना बेसिकली, जिसको आप कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर, जो बेसिकली कंसर्न है किससे, सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन रूल 2011 में बना था. अब जरा गौर करना, ये जो रूल है ये रूल ही बेसिकली आपको यहाँ पढ़ना है. आपको ये समझना है कि एसपीडीआई क्या होता है, एसपीडीआई रूल क्या होता है, और ये इस रूल का क्या स्कोप है. अगर हम एज अ बॉडी कॉर्पोरेट किसी से डेटा लेते हैं, सेंसिटिव पर्सनल डेटा किसी का लेते हैं, तो उस सेंसिटिव पर्सनल डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्या रूल है हमारे को, और अगर वो डिस्क्लोज करना चाहता है कोई बॉडी कॉर्पोरेट किसी और को, तो उसके लिए क्या रूल है, और पर्सनल डेटा एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ऑल दीज आस्पेक्ट्स आर कवर्ड इन एसपीडीआई, जो अभी आप देखने जा रहे हैं अंडर बेसिकली, जो मैंने आपको शुरू में ही कहा कि यहाँ डिस्कशन होगा एसपीडीआई रूल 2011 की, जहां आप सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस की क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं कि किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को क्या करना होगा, सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करके रखना होगा. ठीक है, कलेक्शन के लिए भी कंसेंट चाहिए, डिस्क्लोजर के लिए भी कंसेंट चाहिए, आप इसकी बात करने जा रहे हैं. तो देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ रूल व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड. अब आप बोलोगे कि क्या हमें सारे रूल को डिस्कस करना है, नहीं, कुछ बेसिक पोर्शंस रूल के आपको डिस्कस करने को कहा गया है, राइट. तो हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे and next concept pay in fact, and that is the last concept of IT Act 2000, concept number 7, and that is SPDI. kya kehte hain isko hum, ise hum kehte hain sensitive personal data or information, sensitive personal data or information. interpretation pe nahi jayenge hum abhi zyada, kyunki yahan dekho, here we have the sensitive personal data and here we have the information. So we have the personal data and we have the information.
सो आर वी टॉकिंग अबाउट सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन? अगर मैं इसको डबल कोट में डालूं, देन यू विल सी इट लाइक सेंसिटिव पर्सनल डेटा और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. सो व्हाट इज पर्सनल डेटा, व्हाट इज सेंसिटिव पर्सनल डेटा, व्हाट इज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन? सो देयर आर लॉट ऑफ एम्बिगिटी, राइट? बहुत कन्फ्यूजन है इसको अगर प्रॉपर आप इंटरप्रिटेशन एनालिसिस पे जाओगे तो. बट आप एक बात अभी से ही जान लो और अभी से ही ध्यान में रखना है इस बात को कि जब ये रूल आया था तो उसके बाद इस रूल पे बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज आए. कॉन्ट्रोवर्सीज इसी चीज को लेके भी था, ये भी एक आस्पेक्ट था कॉन्ट्रोवर्सीज का कि आईटी एक्ट में जो पर्सनल डेटा है और सेंसिटिव पर्सनल डेटा है ये टर्म्स बड़ा इंटरचेंजेबली यूज हुए हैं और दोनों में फर्क है, दोनों में कंसिडरेबली डिफरेंस है. डेटा में भी ऑफ टू टाइप, इट में भी पर्सनल डेटा और इट में भी सेंसिटिव पर्सनल डेटा. तो बाद में एक नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट की तरफ से, जिस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने इस बात को क्लियर किया था कि नहीं, एज फार एज द एसपीडीआई रूल 2011 इज कंसर्न्ड, दैट रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एसपीडीआई, ओनली फॉर सेंसिटिव पर्सनल डेटा. सो वट एवर यू आर रीडिंग अंडर दिस, दैट विल बी एप्लीकेबल टू एसपीडीआई ओनली, ओनली द सेंसिटिव पर्सनल डेटा इज कवर्ड, नॉट द जनरल पर्सनल डेटा, राइट? सो इस बात को भी हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है. जब मैं आप इसको आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारे एस्पेक्ट को, तो मैं आपको इसके कॉन्ट्रोवर्सीज बताऊंगा. इसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हैं वैसे प्राइवेसी को लेके, यू नो, और भी बिल्स हैं जो पेंडिंग है, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, राइट? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन. चलिए हम कंटिन्यू करते हैं. लास्ट टॉपिक था हमारा प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन डेटा एंड देन आफ्टर वी हैव स्टार्टेड द एसपीडीआई. नाउ एसपीडीआई स्टैंड्स फॉर सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन, दैट वी ऑलरेडी नो. तो बेसिकली अगर आप डेटा को देखें तो डेटा दो तरह के होते हैं, इट मे बी पर्सनल डेटा, इट मे बी सेंसिटिव पर्सनल डेटा. सो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन दोनों टर्म को मैं इंटरचेंजेबली यूज करूंगा. एक्ट में भी किया गया है तो आपको जरा से भी परेशानी नहीं है. सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इसके प्रोटेक्शन को लेके वी हैव अ रूल विच वॉज फ्रेम्ड इन 2011 अंडर सेक्शन 43A. आप जानते हैं 43A के बारे में जो प्राइवेसी की बात करता है, डेटा के प्राइवेसी की बात करता है. अगर फेलियर होता है, फेलियर टू प्रोटेक्ट प्राइवेट डेटा, तो उस कंडीशन में क्या कंपनसेशन हो सकती है, इसकी बात हमने करी थी जब हम की प्रोविजंस को पढ़ रहे थे. यहां बेसिकली हमें यह देखना है कि सेक्शन 43A का एक एक्सटेंडेड, आप कह सकते हैं एक्सटेंशन है ये रूल, जो रूल प्रोटेक्ट करने की बात करता है सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इंफॉर्मेशन को, राइट? तो हमें इस रूल को थॉरली समझना है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस रूल को. पहले एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट हम मेंशन करेंगे और इंट्रोडक्टरी पॉइंट के बाद मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा और एक ही डायग्राम में आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, एसपीडीआई एंड ऑल अबाउट एसपीडीआई, राइट? ये बेसिकली इट्स अ मैटर ऑफ अप्रैल 2011 जब ये आया था. सो आप कह सकते हैं इन अप्रैल 2011 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से रिलेटेड है, जाहिर सी बात है, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस and procedures and sensitive data and information rule was framed under section 43A. तो क्या कहता है ये स्टेटमेंट? तो आप सिंपली ये कहते हैं यहाँ कि इन 2011 अ रूल वॉज फ्रेम्ड एंड दैट रूल बेसिकली टॉक्स अबाउट रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव डेटा एंड इन्फॉर्मेशन रूल, राइट? इसको शॉर्ट में हम एसपीडीआई रूल कहते हैं, चलेगा. अगर आप एसपीडीआई रूल कहते हैं दैट इज ओके, कहा जा सकता है. और ये फ्रेम हुआ था अंडर सेक्शन 43A इन 2011. हालांकि अगर आप इसका इंट्रोडक्शन जानना चाहो कि ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था बेसिकली, सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2008. ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2008 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था. किसका? सेक्शन 43A का. सेक्शन 43A कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2008 में. और 2011 में एक रूल बना.
जिस रूल के तहत सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी बॉडी कॉर्पोरेट पे गई। अब क्या है इसका मतलब, बेसिकली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं। अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी या कोई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो या किसी तरह का एसोसिएशन ऑफ पीपल हो, अगर वो किसी भी इंडिविजुअल के साथ डील करती है अंडर द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन और उससे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं, जो इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, तो उस कंडीशन में उस कलेक्शन के लिए उसे कंसेंट लेने की आवश्यकता होगी। अगर वो उस इंफॉर्मेशन को किसी भी तरह से स्टोर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है या यूज कर रहा है, तो वो प्राइवेसी मेंटेन रहे, वो इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज ना हो, अनऑथराइज डिस्क्लोजर ना हो, उसका मिसयूज ना हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बॉडी कॉर्पोरेट को लेनी होगी। अगर बॉडी कॉर्पोरेट उस इंफॉर्मेशन को किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज करना होता है तो डिस्क्लोजर से पहले भी उसे कंसेंट लेना होगा। तो हर एक तरह से इस रूल के थ्रू लोगों की प्राइवेसी को आप कह सकते हैं कि आपका जो सेंसिटिव डेटा है, जैसे आपका सेंसिटिव डेटा क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपका आप कह सकते हैं बायोमेट्रिक्स की अगर आप बात कर लो तो वो भी सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट किए जा रहे हैं बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा, तो इसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी किसकी है, बॉडी कॉर्पोरेट को। अच्छा, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स की बात आपने सेक्शन 43A में भी की थी। आपको याद होगा कि सेक्शन 43A में आपने कहा था, जब फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा की बात आई थी, तो आपने कहा था फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा का मतलब ये था वहाँ कि अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर पर्सनल डेटा को, प्राइवेट डेटा को अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है या उनके पास रीजनेबल सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस नहीं थे जिसकी वजह से एक्सपोजर हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपने कंपनसेशन की बात करी थी। सो ये फर्दरेंस है एक तरह से अगर समझा जाए तो, सेक्शन 43A का ही फर्दरेंस है, जहां एक रूल फ्रेम किया गया इन 2011, जिस रूल के तहत सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। तो हम चाहें तो इसे मेंशन भी कर सकते हैं एज अ पॉइंट हियर, these rules are या वर्ड बोल दो, because it was introduced in 2011, were notified in furtherance of section 43A for protection of individuals' data. For protection of individuals data, so individuals data को protect करने के लिए section 43A का ही rule एक क्या है, furtherance है, right? मतलब उसी में एक आप कह सकते हैं a further step to protect individuals data, individuals personal data, individual sensitive personal data. जैसा मैंने आपसे कहा डेटा दो तरह का होता है, पर्सनल डेटा एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा। वैसे मैं आपको एक बात यहां बहुत अच्छी तरह से शुरू में ही क्लेरिफाई कर दूं, एज फार एज एसपीडीआई रूल इज कंसर्न, ओवरऑल अगर आप देखोगे इसका नाम ही है सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। इसका क्या मतलब निकलता है, आर वी टॉकिंग अबाउट सेंसिटिव पर्सनल डेटा, आर वी टॉकिंग अबाउट सेंसिटिव पर्सनल डेटा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और आर वी टॉकिंग अबाउट बोथ। तो क्या सेंसिटिव पर्सनल डेटा की बात हो रही है या पर्सनल डेटा की बात हो रही है या सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है? अगर हम सेंसिटिव वर्ड को बाहर निकाल लें तो देखो एसपीडीआई सेंसिटिव, और ये सेंसिटिव में भी अप्लाइड ऑन बोथ पर्सनल डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सो अगर पर्सनल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन दोनों पे अगर हम सेंसिटिव को अप्लाई करते हैं तो भी इसका मीनिंग अलग निकल के आता है। सो इंटरप्रिटेशन की जब बात आएगी तो आपको क्लियरली दिमाग में रखना है कि दिस रूल एक्सटेंड्स टू सेंसिटिव पर्सनल डेटा। ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? सेंसिटिव पर्सनल डेटा के लिए एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल क्लियर रखना है इसको दिमाग में। आप सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन जो लिखा है इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। आप क्या बोलोगे, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड नॉट टू जनरल डेटा। जो जनरल डेटा है उसके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, राइट? अब जरा गौर करना, ये रूल क्या करता है हमें, तो आप बोलोगे इट डिफाइंस अ डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क, इट डिफाइंस अ डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क, अ डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल डेटा बाय बॉडी कॉर्पोरेट।
for processing of digital data by body corporate. Now this is the scope of the rule. अगर आप रूल के स्कोप की बात करोगे जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो यू विल सी दैट दैट दिस रूल टॉक्स अबाउट द बॉडी कॉर्पोरेट एंड द डिजिटल डेटा, राइट। और जैसा मैंने कहा आपको, डिजिटल डेटा में वी आर टॉकिंग अबाउट सेंसिटिव पर्सनल डेटा। सो ये एक फ्रेमवर्क देता है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल डेटा बाय सम बॉडी कॉर्पोरेट। सो बेसिक आइडिया क्या है, आप कहते हैं बेसिक आइडिया ये है कि सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए एक रूल दिया गया 2011 में, जो फर्दरेंस है सेक्शन 43A का। सेक्शन 43A भी फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा की ही बात कर रहा होता है, फेलियर टू प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा की ही बात कर रहा होता है। उसी के फर्दरेंस में SPDI को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ये रूल बनाया गया। ये रूल एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल बाय सम बॉडी कॉर्पोरेट, जहां बॉडी कॉर्पोरेट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय की गई हैं, कुछ लाइबिलिटीज तय की गई हैं, और जो बॉडी कॉर्पोरेट को फुलफिल करना होगा। और इससे आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स के डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द SPDI इज ऑल अबाउट हियर, राइट। अब बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है और हम किस तरह से पूरे टॉपिक को SPDI को समराइज कर सकते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, राइट। एक नोट सेक्शन लगाएंगे और हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से नोट सेक्शन का एसेंस। ठीक है, अब एज्यूम करो देर इज सम इंडिविजुअल। आप एज्यूम करो कि कोई इंडिविजुअल है, कोई एक इंसान है, देर इज सम इंडिविजुअल, राइट। देर इज सम इंडिविजुअल एंड देर इज सम कंपनी and there is some company. So this is some company. So एक individual है and there is some company, right? तो चलो ये कौन है भाई, ये है individual, कोई भी मैं आप कोई भी इंसान, right? और ये क्या है, किसी भी तरह की company। तो हमने इसे कहा कि sir this is body corporate। ठीक है, समझते चलना एक एक term को। अब individual and body corporate में basically क्या हो रहा है, तो हम कह रहे हैं sir body corporate जो है वो किसी तरह का service provide कर रहा है डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल अंडर सम कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो एक इंडिविजुअल है, कोई इंसान है, जैसे आप हो और आपका किसी कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है। लेट से कोई ऑनलाइन वेबसाइट है, जिस ऑनलाइन वेबसाइट से आप कुछ परचेज कर रहे हैं, तो जब आप परचेज करने के लिए गए तो उस ऑनलाइन वेबसाइट ने आपको बोला कि आप अपना क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन यहाँ सेव कर सकते हैं। नाउ दैट ऑनलाइन कंपनी इज बेसिकली यू आर द बॉडी कॉर्पोरेट एंड यू आर डीलिंग हियर, यू आर द इंडिविजुअल। अब आपसे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, सो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन जब मांगा जा रहा है, सो दैट्स अ काइंड ऑफ व्हाट, सेंसिटिव पर्सनल डेटा। वो एक तरह का क्या है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा है। तो आप क्या हो जाते हैं, आप कहते हैं सर चूंकि मैं उसके साथ डील कर रहा हूं, तो ऑफकोर्स वी हैव सम ऑब्लिगेशंस, मेरा भी उनका भी, और अगर मैं उनको अपना सेंसिटिव पर्सनल डेटा दे रहा हूं तो सर मेरे को तो चिंता होगी कि क्या हो अगर ये डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, क्या हो अगर मेरा क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, किसी हैकर के हाथ लग जाए या किसी फ्रॉड के हाथ लग जाए, तब तो मेरा नुकसान होगा। So, ये जो सिचुएशन है जहां एक इंडिविजुअल है जो अपना डेटा प्रोवाइड कर रहा है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, सो जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है उसको सिंपली हम कह सकते हैं प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन एज पर द एक्ट। आप क्या कहते हैं, प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज दिस इंडिविजुअल इज प्रोवाइडिंग सम इंफॉर्मेशन टू बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट कौन हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट कोई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट कोई कंपनी हो सकती है, या बॉडी कॉर्पोरेट किसी तरह का एसोसिएशन हो सकता है लोगों का। सो बॉडी कॉर्पोरेट इट्स अ ब्रॉड थिंग, राइट, ब्रॉड डेफिनेशन। इसमें हर एक तरह के कंपनी या वर्किंग ग्रुप्स क्या हो सकते हैं, ऐड किए जा सकते हैं। हाँ, यहाँ एक्सक्लूजन है, कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे गवर्नमेंट पे ये को हम यहाँ अप्लाई नहीं करते, और इंडिविजुअल को अगर वो बिग डेटा प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो ये जो इंडिविजुअल है ये क्या है, प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्या है, प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, किसको, आप कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट को। सो क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम कहते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग सर्विसेज डायरेक्टली अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब जरा गौर करना, दैट दिस बॉडी कॉर्पोरेट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, और यहां एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम
The body corporate is collecting information of the individual, which is sensitive in nature, right? तो अब जब ये individual से information collect करने की यहां बात करता है, यहां जब ये collection की बात करता है, तो बताओ क्या ये serious problem नहीं है? तो हम कहते हैं हाँ, एक hospital है, उस hospital में आप treatment करा रहे हैं, और वो हॉस्पिटल आपके बारे में, जाहिर सी बात है, हॉस्पिटल इज गेटिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसी के आधार पे वो आपका ट्रीटमेंट करेगा. क्या हो जब आपकी मेडिकल हिस्ट्री को डॉक्टर क्या करे, आपका हॉस्पिटल क्या करे, कॉम्प्रोमाइज कर दे, वो पब्लिक कर दे, तो क्या ये सही होगा? नहीं. आप कहते सर हेल्थ रिकॉर्ड या जो मेडिकल रिकॉर्ड है, दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ सेंसिटिव पर्सनल डेटा, दैट शुड नॉट बी लीक्ड बाय एनी हॉस्पिटल. अगर ऐसा होता है तो ये गलत होगा. So, ये बॉडी कॉर्पोरेट इज कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल, तो इसका ऑब्लिगेशन तो आपको तय करना होगा ना. और इस यही तो रूल कह रहा है. जो आपका रूल है सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इंफॉर्मेशन रूल 2011 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो रूल ये कहता है कि ये जो आप कलेक्शन करोगे डेटा का, ये विदाउट प्रायर कंसेंट नहीं हो सकता. आपको कंसेंट लेना होगा. किसका? उस इंडिविजुअल का. आप उससे रिटन में कंटेस्ट कंसेंट लोगे, आप ईमेल करा लो उससे, आप उससे फैक्स करा लो, आप उससे लेटर लिखवा लो, लेकिन आपको कंसेंट लेना होगा. सो कलेक्ट करने की जब हम बात करते हैं, तो यहां कंसेंट की आवश्यकता हो जाती है. अब जरा गौर करना, जैसे ही आपने कहा कलेक्ट करने के लिए कंसेंट की आवश्यकता हो जाती है, तो सर इसका जिक्र कहां है? तो इट इज डील्ड इन रूल नंबर 5.1. रूल नंबर 5.1 बात करता है कंसेंट की. किसकी बात करता है? कंसेंट की. और कंसेंट में ये कहता है आपको प्रायर रिटन कंटेंट कंसेंट चाहिए. प्रायर रिटन कंटेंट कंसेंट, सॉरी, आपको क्या चाहिए? रिटन कंसेंट चाहिए इंडिविजुअल का, कि दैट यू आर कलेक्टिंग सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल फॉर दिस पर्पस एंड यू विल बी प्रोटेक्टिंग इट. जो आपको जनरल डिस्क्लेमर देना है वो तो आपको देना ही होगा, राइट? सो जरा गौर करना कि आपने कहा प्रायर रिटन कंसेंट चाहिए, राइट? आप जरा सोचो, ऑन इंटरनेट यू डू लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस. इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि एवरी टाइम यू डू द ट्रांजैक्शन द कंपनी विल आस्क फॉर योर द रिटन कंसेंट एंड यू विल बी गिविंग रिटन कंसेंट एवरी टाइम, ईमेल एंड फैक्स और ऑन पेपर लेटर हेड ऑफ योर कंपनी और योर सेल्फ? क्या ये पॉसिबल है क्या? हम कहते हैं सर ये पॉसिबल नहीं है. ये क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि बहुत टाइम वी इंटरैक्ट विद डिफरेंट सिस्टम्स इन रियल टाइम ऑनलाइन, और ऐसे सिचुएशन में हर एक टाइम बॉडी कॉर्पोरेट को कंसेंट मिले, ये बड़ा मुश्किल है. तो इसके लिए तो प्रॉब्लम आई है ना. तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि ये जब कंसेंट लेने की बात आती है, तो अ सिंपल क्लिक इज ऑल्सो ओके. जैसे आप देखते हो कुकीज के लिए कंसेंट मांगता है ना आपसे वेबसाइट. व्हेन यू विजिट सम वेबसाइट दे आस्क फॉर योर द कुकीज. आप देखोगे द कंपनी गेट यू चेक द टर्म्स एंड कंडीशंस काइंड ऑफ थिंग ऑनलाइन ऑटोमेटिकली, राइट? सो यू नो क्लिकिंग अ पर्टिकुलर ऑप्शन, यस दैट आई एग्री विद ऑल ऑफ द कंडीशंस यू आर पुटिंग हियर, और मैं आपको इस कंडीशंस पे अपना डेटा देना चाहता हूं. अगर आपने उसको क्लिक भी कर दिया तो दैट इज ऑल्सो ओके एंड दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर. सो हमेशा रिटन कंसेंट होगा, ये जरूरी नहीं है. अ सिंपल क्लिक इज ऑल्सो ओके. अ सिंपल क्लिक इज ऑल्सो ओके. हो सकता है कोई पर्टिकुलर फॉर्म को क्लिक करा के ही आपसे कंसेंट ले लिया जाए, बट कंसेंट क्या है? मस्ट है. रूल नंबर 5.1 इसकी बात करते हैं, राइट? अब जरा गौर करना, ये हो गया आपका पहला एस्पेक्ट. आपने क्या कहा कि इंडिविजुअल से जब भी सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा बॉडी कॉर्पोरेट, तो उसके लिए उसको प्रायर कंसेंट लेना होगा. एंड प्रायर कंसेंट की बात कहां की गई है? रूल नंबर 5.1 में. जो प्रायर कंसेंट होगा वो रिटन में होगा, या हम कहते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब यूजुअली होते हैं तो सिंपली अ क्लिक इज ऑल्सो ओके, उसके आधार पर भी कंसेंट को डिटरमाइन किया जा सकता है. अब जरा गौर करो, अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट आपसे कलेक्ट किए हुए इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे एंटिटी को डिस्क्लोज करना चाहे तो क्या होगा? है ना पंगा? अब आप कहते हो कि सर मेरा इंफॉर्मेशन है, और मेरा इंफॉर्मेशन अगर किसी के पास है और वो सेंसिटिव बाय नेचर है, तो मैं हॉस्पिटल गया, मैं एडमिट हुआ, मेरा ट्रीटमेंट हुआ, और वो मेडिकल रिकॉर्ड हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर ने या किसी स्टाफ ने क्या किया? प्रेस वाले को दे दिया. प्रेस वाले ने उसको छाप दिया न्यूज़पेपर में या टेलीविजन पे दिखा दिया. और मान लो आप जो हैं वो आप किसी पब्लिक पोस्ट पे, तो आप कहते हैं मेरा हेल्थ इंफॉर्मेशन को आपने पब्लिक डोमेन में डाल दिया, मेरा तो मैं तो कॉम्प्रोमाइज हो गया,
क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन में पब्लिक में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, ये डिसाइड करने का राइट तो मेरा था, बिकॉज दिस डेटा इज सेंसिटिव पर्सनल डेटा, तो आपने कैसे डिस्क्लोज कर दिया। सो सेकंड जो एस्पेक्ट आता है कलेक्शन के बाद, जो सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ द इन्फॉर्मेशन। तो जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा है उसका डिस्क्लोजर कैसे हो सकता है अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट किसी दूसरे एंटिटी को ये देना चाहता है तो। मान लो वी हैव सम थर्ड पार्टी हियर नाउ, यहां हम शो कर देते हैं किसी थर्ड पार्टी को, कोई भी हो सकता है, दैट मे बी सम कंपनी और दैट मे बी सम इंडिविजुअल और एनीवन। सो दिस इज द थर्ड पार्टी, अनदर एंटिटी सॉर्ट ऑफ, राइट। अब अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट जो हमसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था, इस इंफॉर्मेशन को अगर डिस्क्लोज करना चाहता है तो क्या ये डिस्क्लोज कर पाएगा? तो रूल कहता है नहीं कर पाएगा, ठीक है। रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इंफॉर्मेशन रूल 2011 कहता है नहीं, आप ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। डिस्क्लोजर से पहले भी आपको कंसेंट लेना होगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कलेक्शन से पहले आपने क्या किया था, कंसेंट लिया था। सो हियर ऑल्सो यू नीड टू हैव व्हाट, कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल। सो डिस्क्लोजर कर सकता है क्या कोई? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं कर सकता। डिस्क्लोजर के लिए भी यू रिक्वायर प्रायर परमिशन, आपको परमिशन की जरूरत होगी। किसकी परमिशन की जरूरत होगी? तो आप कहते हैं परमिशन की जरूरत होगी इंडिविजुअल की, जिसका वो इंफॉर्मेशन क्या किया गया है, कलेक्ट किया गया है। तो अब सवाल उठता है सर इसकी बात कहां हो रही है? तो आप कहते हैं इसकी बात हो रही है रूल नंबर 6 में। तो बताओ रूल नंबर 5(1) बात करता है किसकी? कलेक्शन के कंसेंट की। रूल नंबर 6 बात करता है किसकी? डिस्क्लोजर के कंसेंट की। लेकिन जरा सोचो, अब आपके बारे में आपका कोई सेंसिटिव डेटा किसी कंपनी के पास स्टोर है, और मान लो आपका नाम किसी तरह के क्राइम में आता है, एलिज्ड यू आर ऑफ डूइंग ऑफ सम क्राइम, राइट। नाउ इन दैट केस द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लाइक CBI इज बिहाइंड यू, एंड CBI आस्क दैट पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट और द कंपनी टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। तो अब यहां तो थोड़ा पंगा होगा। यहां पंगा क्यों होगा? क्योंकि अगर सेंसिटिव पर्सनल डेटा के नाम पे डेटा अगर डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को अवेलेबल नहीं किया जाए तो उस कंडीशन में इन्वेस्टिगेशन तो होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है जब डिस्क्लोजर की बात हो रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, लीगल ऑब्लिगेशंस हो सकता है। सो यू नो अगर लीगल ऑब्लिगेशन है बॉडी कॉर्पोरेट की कि उन्हें किसी थर्ड पार्टी को, किसी एजेंसी को डेटा प्रोवाइड करना होगा, इन दैट केस द बॉडी कॉर्पोरेट विल हैव टू डू द सेम। या अगर अगर प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन जो था, जिसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया था, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त हमने इस बात को मेंशन किया था कि हम आपके डेटा को किसी थर्ड पार्टी को ऑन रिक्वायरमेंट डिस्क्लोज कर सकते हैं, इन दैट केस दैट कैन ऑल्सो बी डन। सो इफ इट इज मेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट, राइट, इफ इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन और द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट द बॉडी कॉर्पोरेट में डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन टू एनी थर्ड पार्टी और एनी अनदर एंटिटी, देन दैट कैन बी डन। एंड इफ देयर इज सम लीगल ऑब्लिगेशन दैट यस बॉडी कॉर्पोरेट विल हैव टू प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन टू सम ऑर्गेनाइजेशन, इन दैट केस ऑल्सो दे डू नॉट नीड टू हैव prior consent or prior permission of what? The provider of information. So, यहां दो exceptions आपको ध्यान में रखना है। आप क्या बोलोगे? इसके exceptions हैं। क्या हैं इसके exceptions हैं? क्या क्या exceptions हैं? सबसे पहला exception हमारा ये है कि अगर contract है with provider of information, if provider of information के साथ अगर contract है, उस कंडीशन में डिस्क्लोज हो सकता है, और अगर लीगल ऑब्लिगेशन हो जाए तो उस कंडीशन में भी डिस्क्लोज किया जा सकता है सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन को, किसके द्वारा? बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा। अब जरा गौर करना, आपने सीखा प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन कौन होता है, तो आपने कहा इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? डेटा प्रोवाइड कर रहा होता है किसको? बॉडी कॉर्पोरेट को। एंड दैट डेटा इज व्हाट बाय नेचर, तो आप कहते हैं दैट इज सेंसिटिव पर्सनल डेटा ऑफ कोर्स, और बॉडी कॉर्पोरेट उसको डिस्क्लोज कर सकता है थर्ड पार्टी को। कंडीशंस हैं इसके, रूल 6 में डील किया गया है जिसमें कहा गया आपको प्रायर परमिशन चाहिए। दो एक्सेप्शंस हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट है पहले से प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ, या फिर अगर लीगल ऑब्लिगेशन है, दोनों ही सिचुएशन में क्या करना होगा, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना होगा। अब कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं यहां जिसके बारे में हम डील करना चाहेंगे। अगर ये रूल को देखा जाए गौर से और आपसे ये पूछा जाए कि बालक ये बताओ इस रूल का स्कोप क्या है, इस रूल का स्कोप क्या है, व्हाट इज स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर रूल, तो आप क्या बोलोगे? दो चीजों को हाईलाइट करोगे। एक आप बोलोगे इट टॉक्स अबाउट व्हाट, बॉडी कॉर्पोरेट, एंड सेकेंड इट टॉक्स अबाउट व्हाट, डिजिटल डेटा।
ये किसकी बात कर रहा है? डिजिटल डेटा की बात कर रहा है, और ये किसकी बात कर रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट की बात कर रहा है। तो स्कोप में आपको दो चीजों को ध्यान में रखना है, डिजिटल डेटा एंड बॉडी कॉर्पोरेट, डिजिटल डेटा एंड बॉडी कॉर्पोरेट। नाउ एज फार एज डिजिटल डेटा इज कंसर्न, तो आप जानते हैं डेटा में भी पर्सनल डेटा, डेटा में भी सेंसिटिव पर्सनल डेटा, एंड सर्टेनली वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट डेटा विच मे आइडेंटिफाई सम पर्सन इंडिविजुअली और अलॉन्ग विथ सम अदर डेटा, या कोई ऐसा डेटा जो रिलेटेड हो, जैसे बायोमेट्रिक्स का डेटा हो गया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो गया, जैसे हमने बात करी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की हमने बात करी, मेडिकल रिकॉर्ड्स की हमने बात करी, ये जो डेटा है ये सब के सब किसकी बात करते हैं? यू नो सेंसिटिव पर्सनल डेटा की कैटेगरी में आते हैं। सो दैट डेटा वी आर टॉकिंग अबाउट। तो डिजिटल डेटा एंड बॉडी कॉर्पोरेट इज द स्कोप ऑफ दिस रूल। अब सवाल उठता है बॉडी कॉर्पोरेट क्या है ना सवाल? हम कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये भी एक सवाल है कि आखिर बॉडी कॉर्पोरेट को हम कैसे समझेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट को कैसे समझेंगे। तो आपने क्या कहा, बॉडी कॉर्पोरेट किसी तरह की कंपनी हो सकती है, कोई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पीपल हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पीपल हो सकता है, एक्सेट्रा, किसी भी तरह का एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन यहां हमने कहा ये दो चीजों को इंक्लूड एक्सक्लूड करता है, ये गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स बेसिकली हु आर आप डीलिंग इन बिग डेटा प्रोसेसिंग। तो अगर गवर्नमेंट या इंडिविजुअल बिग डेटा प्रोसेसिंग में डील कर रहा है, इन दैट केस दैट इज एक्सक्लूडेड हियर, दैट वॉन्ट इंक्लूडेड इन द बॉडी कॉर्पोरेट, राइट? तो ये है आपका बेसिकली ये रूल, जो रूल बात करता है कंसेंट प्रायर कलेक्शन, कंसेंट प्रायर डिस्क्लोजर, जो रूल बात करता है इस बात की कि देयर शुड बी अ रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इन प्लेस, ताकि जो इंडिविजुअल्स का इंफॉर्मेशन है, इंडिविजुअल्स का डेटा है, जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, उसको थॉरली प्रोटेक्ट किया जा सके। दिस इज योर SPDI, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन रूल 2011, विच इज अ फर्दरेंस ऑफ व्हाट, सेक्शन 43A। किसका फर्दरेंस है? सेक्शन 43A फॉर व्हाट? तो आपने कहा सर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल डेटा बीइंग प्रोसेस्ड बाय सम बॉडी कॉर्पोरेट, राइट? सो दिस इज योर SPDI। चलिए हम इसको क्या करते हैं, फटाफट एक्सप्लेन कर लेते हैं, नोट सेक्शन को क्लोज कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्कोप ऑफ रूल की, राइट? वन बाय वन वी विल बी कवरिंग इट। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद स्कोप ऑफ रूल्स। रूल्स के क्या स्कोप है आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है? करेंटली रूल्स अप्लाई टू बॉडी कॉर्पोरेट एंड डिजिटल डेटा। करेंटली रूल्स अप्लाई टू बॉडी कॉर्पोरेट एंड डिजिटल डेटा। यू नो दैट व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट एंड यू नो व्हाट इज द डिजिटल डेटा, राइट? सो डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज व्हाट? डिजिटल डेटा। एंड बॉडी कॉर्पोरेट इज नथिंग बट एनी कंपनी, एनी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, एनी एसोसिएशन ऑफ पीपल मे बी टर्म्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, राइट? And as far as this particular rule is concerned, present scope of the rule exclude the government and the individual who are processing big data. So, ये basic idea है। तो अगर हमसे scope of rule पूछा जाए, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो currently this rule apply to the body corporate and the digital data, where digital data means data in electronic form, and technically in this particular rule, we talks about the sensitive personal data. As far as body corporate is concerned, body corporate refers to any kind of company, any kind of proprietorship firm, or some association of people who are dealing in sensitive personal data. As far as this particular rule is concerned, this particular rule excludes, as of now, it excludes the government and the individuals who are involved in processing big data, right? So that is the basic scope, जो आपको क्या करना है ध्यान में रखना है। डायग्राम में भी आपने हाईलाइट किया था दो चीजों को, डेटा को एंड बॉडी कॉर्पोरेट को, एंड हियर डेटा मीन्स वॉट? डिजिटल डेटा। तो ये दो स्कोप आप यहां देख सकते हैं। तो फर्स्ट वी हैव द बॉडी कॉर्पोरेट। अगर हम बॉडी कॉर्पोरेट की बात करें, सो आप सिंपली दिमाग में रख सकते हैं, एज पर आईटी एक्ट, एनी कंपनी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, किसी भी तरह की कंपनी, ठीक है, एंड इंक्लूड्स फॉर्म्स सोल प्रोप्राइटरशिप, और एसोसिएशन
और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स और सम काइंड ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंगेज्ड इन कमर्शियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज। राइट, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बॉडी कॉर्पोरेट। आप क्या कह सकते हैं? एनी कंपनी जो किसी तरह का फॉर्म है या किसी तरह का सोल प्रोप्राइटरशिप की हम बात कर रहे हैं या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं जो किसी तरह के प्रोफेशनल या कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसको बॉडी कॉर्पोरेट कहा जा सकता है। यहां कुछ दिमाग में रखने लायक नहीं है, लेकिन अगला पॉइंट जरूर दिमाग में रखने लायक है, दैट दिस रूल करेंटली एक्सक्लूड्स गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग बिग डेटा। तो वी सिंपली से दैट प्रेजेंटली या प्रेजेंट स्कोप एक्सक्लूड्स गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग बिग डेटा। राइट, सो दिस इज योर स्कोप, वेरी सिंपल टू कीप इन माइंड। राइट, क्या क्या की पॉइंट्स हैं? बॉडी कॉर्पोरेट एंड डिजिटल डेटा, और किनको एक्सक्लूड किया गया है? गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग बिग डेटा। इसको हमें क्या करना है? ध्यान में रखना है। राइट, सो दिस इज योर स्कोप ऑफ रूल। राइट, स्कोप ऑफ रूल के बाद वी हैव टू सी सम डेफिनेशंस। हमें क्या करना है? कुछ डेफिनेशंस को समझना है, और कुछ डेफिनेशंस की जब मैं बात करता हूं तो हमें बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन बाय पर्सनल डेटा एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा एट ऑल। इस डेटा का मतलब क्या है, क्योंकि हम इसी के कलेक्शन एंड डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पर्सनल एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि डेटा दो तरह का हो सकता है, दैट डेटा में भी पर्सनल डेटा और सेंसिटिव पर्सनल डेटा या इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमें क्या करना है? इन दोनों का डेफिनेशन देखना है। एज फार एज पर्सनल डेटा या सेंसिटिव पर्सनल डेटा इज कंसर्न्ड, तो जो पर्सनल डेटा की हम बात करें या पर्सनल इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो दैट इज डिफाइंड इन रूल 2I। ठीक है, याद रहेगा। और सेंसिटिव पर्सनल डेटा इज डिफाइंड अंडर रूल 3। आपको दोनों रूल भी याद रखना है। तो आप बोलेंगे रूल 2I में अगर आप देखें तो पर्सनल डेटा आपका एक्सप्लेन्ड है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन्ड है, और रूल 3 में आपका सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन को डिफाइन किया गया है। राइट, नाउ एज फार एज पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज कंसर्न्ड एज पर द डेफिनेशन गिवन इन 2I, ये बेसिकली है क्या? पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम कैसे समझ सकते हैं? कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन, आप ऐसे समझो कि कोई भी ऐसा, जैसे बॉडी कॉर्पोरेट इज हैविंग लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट सम इंडिविजुअल। राइट, सो दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज सफिशियंट टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, दैट इज बेसिकली योर पर्सनल डेटा और द पर्सनल डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो अगर किसी इंडिविजुअल का कोई भी डेटा सेट जो उसको आइडेंटिफाई कर सके उसे हम पर्सनल डेटा कहते हैं। अब वो इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई कर सकता है वो डेटा, या वो डेटा किसी और डेटा के कॉम्बिनेशन में भी अगर उसको आइडेंटिफाई करे तो जाहिर सी बात है दैट इज कवर्ड हियर। सो आप क्या कहते हैं कि पर्सनल डेटा में बेसिकली दैट डेटा इज कवर्ड। राइट, तो हम पहले देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद हम देखेंगे सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को। तो पहले हम देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, किस तरह से पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिफाइन किया गया है एज डिफाइंड इन रूल 2I। अभी यहाँ तक तो क्लियर है ना? यहाँ तक तो कुछ नहीं करने को है हमारे को, वी नो दैट कि इतना तो हम जानते ही है ना। राइट, यहाँ तक तो क्लियर है हमारा। सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन एज डिफाइंड इन रूल 2I, किस तरह से पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिफाइन किया गया है? तो इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझें कि किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, यू नो, इफ यू हैव सम इन्फॉर्मेशन
और वो इन्फॉर्मेशन उस इंडिविजुअल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई करता हो। सो कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो किसी इंडिविजुअल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई कर देता हो, या वो इंफॉर्मेशन किसी और इंफॉर्मेशन के साथ मिलके किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर रहा हो, तो आप क्या कहते हैं, सच इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज पर्सनल इंफॉर्मेशन। सो पर्सनल इंफॉर्मेशन एज डिफाइंड इन आई टी एक्ट, एज डिफाइंड इन द रूल वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, इज बेसिकली दैट इंफॉर्मेशन विच मे आइडेंटिफाई सम इंडिविजुअल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और विच इन कॉम्बिनेशन ऑफ सम अदर डेटा मे बी एबल टू आइडेंटिफाई सम इंडिविजुअल। सच डेटा इज कॉल्ड एज पर्सनल डेटा। अब पर्सनल डेटा को अगर हम वर्ड्स में एक्सप्रेस करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, वी सिंपली से दैट एनी इंफॉर्मेशन दैट रिलेट्स टू अ नेचुरल पर्सन, राइट, विच ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर इंफॉर्मेशन, इन कॉम्बिनेशन विद अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल और लाइकली टू बी अवेलेबल विद अ बॉडी कॉर्पोरेट is capable of identifying such person. ठीक है, चलिए हम इसे ब्रीफ करेंगे थोड़ा सा, आप इसे नोट करिए, फिर हम इसे थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, राइट। ये है हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन एज डिफाइंड इन रूल 2I, ठीक है, ओके। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सवाल ये आ रहा होगा कि ठीक है, हम ऐसे किसी भी इंफॉर्मेशन को जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या किसी और इंफॉर्मेशन के साथ मिलके किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करता है, ऐसे इंफॉर्मेशन को हम पर्सनल इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, राइट। बट सवाल उठता है कि क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके, किस तरह के इंफॉर्मेशन को पर्सनल इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में रखा जा सकता है अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात करें। तो मान लो कोई, अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, टेक एन एग्जांपल, मान लो देयर इज सम इंडिविजुअल, मिस्टर एक्स करके कोई है, इफ देयर इज सम इंडिविजुअल, राइट, और इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास, यू हैव सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट इंडिविजुअल। तो जैसे कि आप कहते हैं, लेट्स से डेट ऑफ बर्थ की बात करो आप, सो अगर आप डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, सो डेट ऑफ बर्थ इज इट्स सर्टेनली नॉट अ सेंसिटिव डेटा। सो पर्सनली आइडेंटिफाइंग डेटा जो होता है, मतलब जो किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकता है, वो दोनों नेचर का हो सकता है, वो सेंसिटिव भी हो सकता है, वो नॉन सेंसिटिव भी हो सकता है। तो मान लो कोई इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स का जो डेट ऑफ बर्थ है, और मान लो मैं मिस्टर एक्स के क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन की बात करता हूँ, तो मिस्टर एक्स का जो क्रेडिट कार्ड डिटेल है और मिस्टर एक्स का जो डेट ऑफ बर्थ है, दोनों में क्या फर्क है? आप एक चीज तो बहुत अच्छी तरह से यहां बहुत आसानी से आप इस बात को कह सकते हैं ना कि मिस्टर एक्स का जो डेट ऑफ बर्थ है, दैट इज सर्टेनली नॉन सेंसिटिव, ये सेंसिटिव नहीं है, लेकिन उसका जो क्रेडिट कार्ड डिटेल है, ये सर्टेनली सेंसिटिव है। क्योंकि जरा सोचो, किसी फ्रॉडस्टर के हाथ अगर वो क्रेडिट कार्ड डिटेल आता है तो वो क्या कर सकता है, उस क्रेडिट कार्ड की मदद से ट्रांजैक्शन कर सकता है आसानी से। सो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि पर्सनली आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन जो होता है, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के जो इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, वो दोनों नेचर का होता है, सेंसिटिव भी होता है, नॉन सेंसिटिव भी होता है। तो जब हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिफाइन कर रहे हैं, उस समय हम सेंसिटिव को नहीं रखते, और सेंसिटिव हमारा एग्जाम्पल होगा सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ हम नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शो कर सकते हैं, जैसे हमने कहा डेट ऑफ बर्थ। जहां तक क्रेडिट कार्ड डिटेल का सवाल है, क्रेडिट कार्ड डिटेल हमारा किस तरह का इंफॉर्मेशन हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन हो जाएगा, जो हम अभी डिफाइन करने जा रहे हैं, व्हिच इज डिफाइंड अंडर रूल नंबर 3। सो दिस इज अ सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू, यू नो,
फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, अगर किसी के हाथ ये लगता है तो उसका नुकसान हो सकता है. बट डेट ऑफ बर्थ इज समथिंग विच इज कॉमन, सर्टनली इट इज पर्सनल, बट जाहिर सी बात है ये किस नेचर का है, ये नॉन सेंसिटिव नेचर का डेटा है, या इंफॉर्मेशन है, आप इसे कह सकते हैं. लाइकवाइज अगर आप कहते हैं क्या जिप कोड, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिप कोड की बात करें तो जिप कोड क्या है भाई, क्या ये सेंसिटिव डेटा है? नहीं. तो ये पर्सनल डेटा जरूर हो सकता है किसी इंडिविजुअल का, समवन हु सेंट यू सम कम्युनिकेशन, वहां अगर जिप कोड का इस्तेमाल हो रहा है तो दैट मे बी प्लेस्ड अंडर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बट सर्टेनली इट इज नॉट सेंसिटिव, राइट. जिप कोड के अलावा इन्फॉर्मेशन लाइक जेंडर, किसी का जेंडर पर्सनल, ये प्राइवेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन क्या ये सेंसिटिव है क्या? किसी का मेल फीमेल अगर जेंडर की हम बात करें तो हम कहते हैं सर्टेनली नॉट, इट इज नॉट सेंसिटिव, बट सर्टेनली इट इज पर्सनल. सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने वाले इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो दोनों तरह के हो सकते हैं, सेंसिटिव भी हो सकते हैं, नॉन सेंसिटिव भी हो सकते हैं. जब हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें हम प्राइमरीली नॉन सेंसिटिव डेटा को लेकर चलते हैं, और सेंसिटिव डेटा के लिए हमारे पास सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन या सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन और डेटा का डेफिनेशन होगा जो हम अभी देखेंगे, राइट. तो डेट ऑफ बर्थ की बात कर लो, जिप कोड की बात कर लो, जेंडर की बात कर लो, ये कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन का अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, जो आप दिमाग में रख सकते हैं. आई होप इट इज क्लियर. सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो बेसिकली किसका एग्जाम्पल है, तो आप कहते हैं सर ये सेंसिटिव डेटा है, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो ये हमारे सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में जाएगा, जो अब हम देखने जा रहे हैं. पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद हमें देखना है सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन या डेटा को, राइट. सो वी आर गोइंग टू मेक अ हेडिंग, सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन और डेटा एज डिफाइंड, बताओ रूल नंबर इन रूल थ्री. ये कहां डिफाइन किया गया है? रूल थ्री में डिफाइन किया गया है. As defined in rule 3. तो sensitive information की अगर हम बात करें तो इसमें किस तरह के information को include किया जाता है, that what we have to see here. So we can simply say that sensitive personal information or data regarding a person, of course we are talking about the natural person, consists of information such as kya kya ho sakte hain, aap kehte hain logon ka passwords, sexual orientation, मेंटल हेल्थ, मेडिकल रिकॉर्ड्स, या हिस्ट्री कह लो आप इसको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कह लो या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कह लो, बायोमेट्रिक्स एक्सेट्रा, ठीक है. दीज आर द इन्फॉर्मेशन जो आपको किस नेचर का होगा, सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन का नेचर का होगा. तो हमने ये कहा, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ आपके लिए, ध्यान देना, आई सर्टेनली होप कि आपका क्लियर हुआ होगा. आपने ये कहा कि किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हो सकता है, तो किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हो सकता है, आइडेंटिफाइबल या आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन जो हो सकता है, वो दोनों तरह का हो सकता है. दैट मे बी सेंसिटिव एंड दैट मे बी नॉन सेंसिटिव. वो सेंसिटिव भी हो सकता है और वो नॉन सेंसिटिव भी हो सकता है. जैसे हमने कहा कि किसी भी इंडिविजुअल का डेट ऑफ बर्थ नॉन सेंसिटिव होगा, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल का मेडिकल हिस्ट्री क्या हो जाएगा? सेंसिटिव हो जाएगा. इसी बात को आपको ध्यान में रखना है, बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. और इसीलिए आप हमेशा याद रखना कि जब भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रीजनेबल प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन
रूल 2011 की जब हम बात करते हैं तो ये हमेशा सेंसिटिव पर्सनल डेटा पे एप्लीकेबल होता है। तो हम ऐसे डेटा की यहाँ बात कर रहे हैं जो किस नेचर का है, जो सेंसिटिव नेचर का है, और उस डेटा को, जैसे आप बायोमेट्रिक्स की बात कर रहे थे, आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे, आप मेडिकल रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे, आप पासवर्ड्स की बात कर रहे थे, राइट, सच काइंड ऑफ डेटा, सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन, और उसी की प्रोटेक्शन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तभी हमने कहा था कि इंडिविजुअल का डेटा प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी यहाँ तय की जा रही है, किसकी, बॉडी कॉर्पोरेट की। अब यहाँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं जो मैं चाहूँगा आपको ध्यान में रखें आप, ठीक है। सो हम कुछ नोट्स लेने जा रहे हैं यहाँ, कुछ नोट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम कुछ नोट लेते हैं यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो क्या मेजर पॉइंट्स हैं अभी जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जरा गौर करो। आपने डेफिनेशंस देखा पर्सनल इंफॉर्मेशन का और सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन का, राइट। लेकिन उस डेफिनेशन में यू हैव टू कंसीडर फ्यू पॉइंट्स। आप देखोगे कुछ चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया है। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, डेफिनेशन कहता है कि किसी भी पर्सन से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ उस इंडिविजुअल को, उस पर्सन को आइडेंटिफाई करता है, इन दैट केस दैट इन्फॉर्मेशन इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, राइट राइट। लेकिन जरा गौर करो, इस डेफिनेशन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं जो मिसिंग है। जैसे मान लो कोई, अगर कोई एक आइडेंटिफाइड पर्सन है, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड पर्सन है, और उस आइडेंटिफाइड पर्सन के अदर भी तो इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, लेकिन क्या उनको इंक्लूजन मिला है इस डेफिनेशन में? जवाब है नहीं। जैसे सम इन्फॉर्मेशन लाइक एक्टिविटी ऑफ द पर्सन, जैसे मान लो आपने किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट किया या आपने किसी तरह की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करी, तो आपका जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं, आपका जो हैबिट्स हैं, आपके जो हैबिट्स हैं, आपका जो बिहेवियर है या आपका जो लोकेशन है, तो क्या ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है? क्या ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है? क्या आप ये पसंद करोगे कि आपका लोकेशन हमेशा किसी कंपनी को मालूम हो कि आप कहाँ जा रहे हो, आप किसी शहर गए तो किस होटल में रह रहे हैं, आपका घर कहाँ है, आपका ऑफिस कहाँ है? आप कतई पसंद नहीं करोगे। क्या आप ये चाहोगे कि कोई कंपनी आपको कंटिन्यूसली वॉच कर रही है, आपके हैबिट्स को रीड किया जा रहा है, या आपके यू नो लोकेशन को रीड किया जा रहा है जैसा मैंने अभी कहा, या आपके एक्टिविटीज को रीड किया जा रहा है? तो जवाब है नहीं। लेकिन इस डेफिनेशन में आइडेंटिफाइड, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड पर्सन से रिलेटेड जो अदर इंफॉर्मेशन है उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो पहला एस्पेक्ट आपको यह ध्यान में रखना है, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी आवर नोट नंबर वन। हम क्या कहेंगे इसे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, और मैं चाहूंगा आप इसे ध्यान में रखेंगे, राइट, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। नोट नंबर वन, the definition of personal data here does not encompass information related to already identified person such as habits, location, activities, etc. क्या ऐसा था? तो हम कहते नहीं, ऐसा नहीं था, राइट। नोट नंबर टू, सेकेंड प्रॉब्लम को जरा ध्यान से समझो। फर्स्ट इज क्लियर, फर्स्ट में आप क्या कह रहे हैं कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड पर्सन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, लेकिन उनका इंक्लूजन हमारे को डेफिनेशन में देखने को नहीं मिला। दीज आर बेसिकली सम फैक्ट्स रिगार्डिंग द डेफिनेशन। डेफिनेशन का सेकंड प्रॉब्लम पे गौर करो। डेफिनेशन में आप क्या क्या कह रहे हैं कि किसी भी इंडिविजुअल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो उस इंडिविजुअल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या किसी और इन्फॉर्मेशन के कॉम्बिनेशन के साथ आइडेंटिफाई करता है, उस इन्फॉर्मेशन को आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन कह दिया, राइट। लेकिन क्या यह पॉसिबल है कि मान लो कोई मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स से रिलेटेड जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो किसी बॉडी का कॉर्पोरेट के पास है, उस इंफॉर्मेशन की मदद से कोई दूसरा इंडिविजुअल जो मिस्टर वाई है, जो एक्स से रिलेटेड है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके? जवाब है हां, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। लेकिन क्या डेफिनेशन में ऐसा कहीं कोई रेफरेंस था
हम कहते हैं नहीं। तो ये भी एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है हमारे सामने कि हम देखते हैं कि डेफिनेशन में इस बात को इंक्लूड नहीं किया गया। डेफिनेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है, उसके आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन या किसी और इंफॉर्मेशन के साथ मिलकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी और पर्सन को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, और जाहिर सी बात है इस बात को डेफिनेशन में जगह नहीं दी गई है। ये होगा हमारा नोट नंबर टू, इसको भी याद रखना है, राइट। सो नोट नंबर वन क्या था? बहुत सिंपल है, हमने कहा नोट नंबर वन ये बात करता है कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड पर्सन से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जिसका जिक्र डेफिनेशन में नहीं था। नोट नंबर टू में हमने क्या दिमाग में रखना है? ये दिमाग में रखना है कि डेफिनेशन में हम किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे थे, जबकि किसी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन के आधार पर किसी दूसरे इंडिविजुअल को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, सम रिलेटेड इंडिविजुअल, एंड इसका कहीं कोई जिक्र हमारे पास हमारे डेफिनेशन में नहीं था। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर नोट नंबर टू। द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल डेटा ऑल्सो addresses only the identification of such person and does not address data that is related with particular person which may directly or indirectly or in combination with other information other information reveals identity of another person। ये भी हो सकता है, ये हमारा नोट नंबर टू है, है ना। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। पहले पॉइंट में हमने इस बात को हाईलाइट किया कि हमारे डेफिनेशन में जो हमने डेफिनेशन देखा था रूल 2I and 3 के अंतर्गत, उन डेफिनेशंस में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड पर्सन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होंगी उनका क्या होगा। सेकंड, हमने देखा कि इन डेफिनेशंस में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि अगर किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर किसी दूसरे इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जा सकता हो तो उसका क्या होगा, इसके बारे में भी हमारे को कहीं कोई जिक्र नहीं था। ठीक है, चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है थर्ड? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब मुझे एक बात बताओ कि जब आपने डेफिनेशन को देखा, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको याद हो जाए, यही पर्पस है मेरा। डेफिनेशन में आपने कहा कि सर द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल डेटा इज डिफाइंड अंडर रूल 2I। ठीक है, इन दिस डेफिनेशन इट सेज दैट एनी इंफॉर्मेशन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इन कॉम्बिनेशन विद सम अदर इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाइज सम इंडिविजुअल, राइट। दैट डेटा इज अ काइंड ऑफ व्हाट? पर्सनल डेटा। एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दैट द पर्सनल डेटा में भी सेंसिटिव एंड इनसेंसिटिव। सो हम सेंसिटिव पर्सनल डेटा को उसके आधार पर हमने देख लिया था, राइट। नाउ इज देयर इज अ पॉइंट। पॉइंट ये है कि अगर हम पर्सनल डेटा का बेसिकली वो क्लासिफिकेशन नहीं था, ठीक है, तो इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है? बहुत सिंपल है इस बात को समझना। अब मैं आपको बताऊं, आपने फर्स्ट पॉइंट में आपने इस बात को हाईलाइट किया कि हमारे पास जो 2I और रूल 3 में जो डेफिनेशंस थे उन डेफिनेशन में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड पर्सन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होते हैं हैबिट्स वगैरह की, लोकेशन वगैरह की, एक्टिविटीज की, उनका क्या होगा। सेकेंड, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया कि इसमें किसी इंडिविजुअल के आइडेंटिफिकेशन की बात की जा रही है, बट एक इंडिविजुअल से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर अगर किसी दूसरे इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली और इन कॉम्बिनेशन विद सम अदर इंफॉर्मेशन उनका क्या होगा, इसका भी जिक्र नहीं था, राइट। ये दोनों ही पॉइंट क्या थे? मिसिंग थे। तीसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो अब आप यहां देखने जा रहे हैं वो ये है कि आप ये कहोगे कि डेफिनेशंस में जब हम डेफिनेशंस को देखते हैं, जो डेफिनेशंस 2I और रूल 3 के अंतर्गत दिया गया था, उन डेफिनेशंस में एक एक्सेप्शन था। जब हमने बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन किया
तो हमने बहुत क्लियरली इस बात को लिखा, इस बात को मेंशन किया हमने कि भाई बॉडी कॉर्पोरेट का जो डेफिनेशन है वो गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स को एक्सक्लूड करता है बेसिकली हु आर डीलिंग इन बिग डेटा प्रोसेसिंग। सो जब बिग डेटा की बात करते हैं, बिग डेटा का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। आपने पढ़ा हुआ है बिग डेटा के बारे में, आप पढ़ोगे आगे के चैप्टर्स में। बिग डेटा की जब हम बात करते हैं तो बिग डेटा का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, और उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में बहुत सारा डेटा ऐसा भी होगा जो पर्सनल डेटा होगा, पर्सनल नेचर का डेटा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में उसका क्या होगा? इनफैक्ट डेफिनेशन में ही हमने बिग डेटा एनालिसिस को क्या करके रखा है, एक्सक्लूड करके रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है वहां भी तो किसी का पर्सनल सेंसिटिव डेटा हो सकता है, और अगर वहां सेंसिटिव पर्सनल डेटा किसी का है तो उसका क्या होगा, ये डेफिनेशन में बिग डेटा एनालिसिस को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होगा जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारे पास दो पॉइंट है फिलहाल, जिसको हमने नोट वन एंड नोट टू कहा था। नाउ वी विल गो टू नोट थ्री, चलते हैं नोट थ्री पे। ठीक है, वी सिंपली से दैट द रूल डू नॉट अकाउंट फॉर एडिशनल टाइप्स ऑफ सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल टाइप ऑफ सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट माइट बी जनरेटेड That might be generated or correlated, दोनों चीजें हो सकती है, generated or correlated through the use of big data analytics। क्योंकि big data analytics के issue को तो हमने touch ही नहीं किया। इनफैक्ट बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में हमने इस बात को भी डिक्लेयर किया था। आप याद करो जब हम स्कोप ऑफ रूल की बात कर रहे थे, तो वहां भी हमने इस बात को मेंशन किया था। स्कोप ऑफ रूल में हमने जब बात करी थी बॉडी कॉर्पोरेट एंड डिजिटल डेटा की, तो बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में हम क्लियर करते हैं इस बात को कि भाई जब बिग डेटा एनालिटिक्स की बात आती है तो दैट इज नॉट कवर्ड येट। तो जाहिर सी बात है करंटली अगर उसको कवर नहीं किया गया है तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हमारे लिए होगा। तो देखो तीन पॉइंट ऑफ कंसर्न आया आपको। आप सबसे पहले क्या कहते हैं कि डेफिनेशन में भाई ऑलरेडी आइडेंटिफाइड पर्सन से रिलेटेड जो अदर इन्फॉर्मेशन होता है उसका कहीं कोई चर्चा नहीं है। दूसरा पॉइंट आपने क्या कहा कि एक पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के आधार पे किसी दूसरे पर्सन को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और इन कॉम्बिनेशन विद सम अदर इंफॉर्मेशन, इसका भी जिक्र नहीं है। थर्ड पॉइंट में आपके आके आप क्या कह रहे हैं कि दे आर डिफरेंट अदर इंफॉर्मेशन विच इज सेंसिटिव पर्सनल इन नेचर, और जो बिग डेटा एनालिटिक्स के दौरान को रिलेट किया जा सकता है या किसी तरह से प्रोसेस किया जा सकता है उनका क्या होगा, वो भी डेफिनेशन में कहीं इंक्लूडेड नहीं है, उसका भी डेफिनेशन में कहीं कोई जिक्र नहीं है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या कहते हैं, डेफिनेशंस ऑफ सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन डू नॉट एड्रेस हाउ दीज इंफॉर्मेशन when anonymized or aggregated should be treated, कहीं कोई ट्रीटमेंट का जिक्र नहीं है। मतलब इफ यू गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ सच इंफॉर्मेशन, यू नो एनोनिमाइज्ड है मतलब कहां से है किसका है पता नहीं है, एग्रीगेटेड है इकट्ठा किया हुआ वॉल्यूम है उसका, उस कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा इसके बारे में भी रूल में कोई जिक्र, डेफिनेशन में कोई जिक्र नहीं है। तो ये चार पॉइंट हैं जो मैं चाहूंगा आप डेफिनेशन के साथ हमेशा ध्यान में रखना। आप डेफिनेशन में ये कहते हैं कि भाई, मैं फिर से आपको चारों पॉइंट रिपीट कर रहा हूं कि आपने 2i रूल 3, रूल 2i एंड रूल 3, रूल 2i में आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिफाइन किया, रूल 3 में आपने सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन को देखा, और इनको डेफिनेशंस को देखने के बाद आप ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड पर्सन से रिलेटेड जो अदर इन्फॉर्मेशन है उसका जिक्र कहीं नहीं है। एक पर्सन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर किसी दूसरे पर्सन को अगर आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है।
साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि बिग डेटा एनालिटिक्स का जो प्रॉब्लम है उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, और अब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये एग्रीगेटेड एनोनिमाइज्ड या एग्रीगेटेड डेटा अगर है के तरह लाया जा रहा है डेटा को, उस कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, हाउ इट शुड बी ट्रीटेड, इसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये चार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको डेफिनेशंस के साथ ध्यान में रखना है। तो हमने क्या देखा, हमने स्कोप देखा और हमने डेफिनेशंस देखा। स्कोप एंड डेफिनेशंस के बाद वी हैव टू कवर टू मोर थिंग्स, वन इज द कलेक्शन, वन इज द डिस्क्लोजर। आप जानते हैं कलेक्शन एंड डिस्क्लोजर की अगर हम बात करें, कलेक्शन को हम डिफाइन कर रहे होते हैं कहाँ, रूल 5.1 में, जहां हम कहते हैं कि प्रायर कंसेंट इन रिटन इज एसेंशियल। आपने ये भी सीखा था कि क्लिक करने से भी काम हो सकता है। और जब आप डिस्क्लोजर की बात करते हैं तो रूल 6 रेफर होगा यहाँ, जहां रूल 6 में हमने कहा था डिस्क्लोजर से पहले भी क्या चाहिए, प्रायर परमिशन चाहिए। हालांकि वहां दो एक्सेप्शन थे, अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एक कंडीशन था, और दूसरा एक्सेप्शन था अगर लीगल ऑब्लिगेशन है तो उस कंडीशन में भी प्रायर परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। तो फर्स्ट हम देखेंगे कलेक्शन को और फिर हम देखेंगे डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इसमें हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, कंसेंट टू कलेक्ट। क्या कहेंगे, कंसेंट टू कलेक्ट। और आप जानते हैं ये कहां डिफाइन हुआ है, रूल 5.1 में। रूल 5.1 में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से पहले क्या लेना होगा, कंसेंट लेना होगा। याद करो मैंने क्या कहा था, रिटन फॉर्म में। लेकिन हमारे सामने एक परेशानी ये आई थी कि सर बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जहां कंटिन्यूअस बेसिस पे डेटा का फीड आता है। तो जहां कंटिन्यूअस बेसिस पे डेटा का फीड आएगा, जहां कस्टमर्स एक्सेस कर रहे हैं रियल टाइम में, ऐसे सिचुएशन में कैसे आप कंसेंट रिटन फॉर्म में फैक्स या ईमेल के थ्रू मंगवा पाओगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमने कहा था ऐसे सिचुएशन में, मतलब एक इनबिल्ट सिस्टम हो सकता है, या आप कह सकते हैं सिंपली क्लिकिंग सम टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी विल बी एनफ, लेकिन यू नो मैकेनिज्म इज देयर, सो क्लिक से भी काम हो सकता है। हमेशा रिटन फैक्स या ईमेल के थ्रू ही परमिशन लिया जाए ये आवश्यक नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है, राइट। तो वी सिंपली से दैट रूल 5.1 रिक्वायर्स बॉडी कॉर्पोरेट to obtain consent in writing through letter, fax or emails. किससे, आप जानते हैं, from provider of information. याद करो डायग्राम, ठीक है, रिगार्डिंग यूज ऑफ सच इंफॉर्मेशन, प्रायर टू कलेक्शन, ठीक है, ये ना आइडिया। तो हम क्या कहते हैं, आपको परमिशन चाहिए होगा, प्रायर परमिशन चाहिए होगा कलेक्शन से, फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन। सो That is what defined in rule number 5.1. लेकिन हम जानते हैं कि there are some variations here. In context where services delivered with little or no human intervention. अब जहां human का intervention ना हो, data is collected through sensors, data is collected on real time and on regular basis and is used for डिफरेंट पर्पसेस। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, आप सिंपली कहेंगे दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट कंसेंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट कंसेंट इन रिटन
from provider of information. From provider of information. ठीक है, तो या इसको ऐसे कर देते हैं, फॉर ईच इंस्टेंस, हर एक बार प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन से कंसेंट लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, जाहिर सी बात है. सो इन सच केस अ सिंपल क्लिक इज ऑल्सो ओके. यही मैंने आपको कहा था, अ सिंपल क्लिक इज ऑल्सो ओके. जैसा मैंने कहा, वेबसाइट वगैरह में आपसे लिया जाता है, आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, अपना सेंसिटिव पर्सनल डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप उसे लेटर भेजते हैं या ईमेल भेजते हैं कि भाई मैंने आपको अपना डेटा दिया है, आप इसको संभाल के रखना. नहीं होता है ऐसा, बल्कि क्या होता है, वो हमें हमारे साथ पॉलिसी शेयर करते हैं, हम सिंपली क्लिक करते हैं उसको, हम अपना कंसेंट देते हैं और अकॉर्डिंगली वो हमारे डेटा को क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं. राइट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर कि दो चीज़ें हैं. एक तो हम सबसे पहले कहे तो रूल 5.1 कहता है कि आपको रिटर्न परमिशन लेना होगा, लेकिन साथ साथ हमने ये भी कहा था कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता. बहुत सारे ट्रांजैक्शन रियल टाइम ऑनलाइन बेसिस पे होते हैं, उस सिचुएशन में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल या फिजिबल नहीं होगा कि एवरी टाइम जब कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके लिए क्या दिया जाए, कंसेंट दिया जाए. दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. ये है आपका कंसेंट टू कलेक्ट. इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद है कंसेंट टू डिस्क्लोजर. तो डिस्क्लोजर के लिए भी हमारे को क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए, और हम जानते हैं दैट इज कवर्ड अंडर रूल नंबर 6. आ जाते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ एसपीडीआई, एंड दैट इज कंसेंट टू डिस्क्लोजर. कंसेंट टू डिस्क्लोजर, जो डायग्राम हमने शुरू में बनाया था उस पर अगर आप कंसेंट्रेट कर देंगे तो आपके लिए थियरी ध्यान में रखना बहुत आसान हो जाएगा. और हमेशा याद रखना कि एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट प्लस कंटेंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप एमसीक्यू सॉल्व कर सको, आप केसेस को हैंडल कर सको, और साथ ही साथ आपके पास इतना इनपुट होना चाहिए थ्योरी कंटेंट का कि आप एग्जामिनेशन में एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सको. अगर आपके पास थ्योरी कंटेंट नहीं है और आपने जहां तहां की बातें लिखी तो उस कंडीशन में मार्क्स नहीं आते. और यही रीज़न है कि आपका जो क्लास नोट्स है ये बहुत वैल्यूएबल साबित होगा आपको. आपने लिखा है इसे खुद और आप जानते हैं कि ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड स्टडी मैट है, बहुत आसानी से आप इसे दिमाग में रख सकते हैं और बहुत आसानी से आप इसे एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं. और यही रीज़न है कि आपने नोटिस किया कि मैंने आपको बेयर एक्ट का भी प्रॉपर नोट्स दिया है, ताकि आप अपनी अपने हिसाब से उसे लिखा, आपने अपने हिसाब से उसे अरेंज किया और आप उसे एग्जामिनेशन में क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी तरह से अगर आपको लिखने की आवश्यकता हुई या आपसे सवाल पूछा गया तो. राइट, सो कंसेंट टू डिस्क्लोजर क्या होता है, चलिए हम इसकी बात करते हैं. दैट इज कवर्ड अंडर रूल 6. कंसेंट टू डिस्क्लोजर. अच्छा, हम इसे जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं. हम क्या जानते हैं कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज करना चाहता है व्हाटएवर इंफॉर्मेशन जो उसने कलेक्ट किया था प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन से, उस कंडीशन में उसे प्रायर कंसेंट चाहिए. हालांकि दो एक्सेप्शन है जिसकी हमने बात करी थी और इसी बात को हमें यहां क्या करना है, मेंशन करना है. सो हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट, वी सिंपली से दैट रूल 6 प्रोवाइड्स दैट डिस्क्लोजर ऑफ एसपीडीआई सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इंफॉर्मेशन बाय बॉडी कॉर्पोरेट टू एनी थर्ड पार्टी shall require prior permission from provider of information from provider of information who provided such information under lawful contract ठीक है, or otherwise unless such disclosure has been agreed to
have been agreed to in the contract between body corporate and provider of such information, and provider of such information, or where disclosure is, or where disclosure is necessary for compliance of legal obligation. Of legal obligation. तो ये है हमारा रूल नंबर सिक्स. हम क्या कहते हैं, प्रायर कंसेंट चाहिए. और मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा आपके लिए इस पूरे पैराग्राफ को. कंप्लाइंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, हमने क्या कहा था कि डिस्क्लोजर से पहले, डिस्क्लोजर से पहले क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए, मतलब परमिशन चाहिए. किसका परमिशन, प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन का. क्या चाहिए, परमिशन चाहिए. लेकिन एंड दैट विच इज एज पर द रूल नंबर सिक्स. लेकिन यहां हमने कहा दो एक्सेप्शन हैं. एक एक्सेप्शन है कि अगर दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन और बॉडी कॉर्पोरेट के बीच में, जो कॉन्ट्रैक्ट में मैंशन है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी को दी जा सकती है. और सेकेंड था लीगल ऑब्लिगेशन, जहां लीगल ऑब्लिगेशन के तहत डेटा को क्या करना पड़े, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना पड़े किससे, थर्ड पार्टी के साथ. सो दैट इज ऑल्सो देयर. और अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में कंसेंट की आवश्यकता नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंसेंट टू डिस्क्लोजर, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आईटी एक्ट, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर एसपीडीआई. देखो इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो शुरू में ही मैंने आपको समझाया था कि आपका चैप्टर नंबर वन जो है ये फाउंडेशन है, ये फंडामेंटल है, क्योंकि इसी पे आधारित है आपका पूरा का पूरा चार चैप्टर. और हर एक चैप्टर में आपको चैप्टर नंबर वन के कॉन्सेप्ट का रेफरेंस दिखेगा. ये एक तरह का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है. इस चैप्टर में सबसे पहले आपने बिजनेस प्रोसेस का इंट्रोडक्शन लिया, आपने बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का इंट्रोडक्शन लिया, आपने रिस्क के बारे में समझा, रिस्क के मैनेजमेंट के बारे में समझा, आपने इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को समझा, आपने कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल को समझा, आपने फ्लो चार्ट सीखा, डेटा फ्लो डायग्राम की बात करी, साथ ही साथ आपने डिफरेंट प्रोसेसेस को कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है डायग्रामेटिकली इसको समझा, आपने साथ ही साथ डिफरेंट स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेसेस से रिलेटेड जो रिस्क एंड कंट्रोल्स हो सकते थे आपने उसको भी समझा, और फिर आपने डिफरेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की बात करी आपने, जिसके अंतर्गत कंपनीज एक्ट का जिक्र किया हमने, और आईटी एक्ट को हमने थोरली समझा. सो ये जो चैप्टर है आपने गौर किया होगा, जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, जेनरिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर है, जहां किसी पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को हम नहीं पढ़ रहे हैं, बट हमने ऐसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है जो ई कॉमर्स पे भी एप्लीकेबल होगा, एम कॉमर्स पे भी एप्लीकेबल होगा. आप क्लाउड पे जाओगे वहां भी आपको एप्लीकेबिलिटी दिखाई देगी, आप डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज पढ़ोगे वहां भी आपको एप्लीकेबिलिटी दिखाई देगी, आप जब बैंकिंग सिस्टम में एंटर करोगे चैप्टर नंबर फाइव वहां भी आपको कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेबिलिटी दिखाई देगी. तो ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली जिनका रेफरेंस आपको डिफरेंट चैप्टर्स में आता हुआ दिखाई देगा. जब आप थर्ड चैप्टर में इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल को पढ़ने जाएंगे आपको वहां भी इसका रेफरेंस मिलेगा. सेकंड चैप्टर में जब आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको कनेक्टिविटी दिखाई देगी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में, बेसिकली आप देखोगे इसे, राइट. सो ये एक फंडामेंटल चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर वन, जिसके आधार पर आपके बाकी चैप्टर की आधारशिला रखी जाएगी, राइट. सो विल स्टॉप हियर एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.